हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है सत्य प्रेम की कथा तो सत्य प्रेम की कथा फिल्म है वो हिंदी वर्जन में बनी फिल्म है तो उसका हिंदी वर्जन कौन से ओ टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है साथ ही में फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो आज का हमारा वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सत्य प्रेम की कथा जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन और के आडवाणी देखने को मिलेंगे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ समीर विद्वंस ने समीर विद्वंस इससे पहले भी कई फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके कुछ मराठी फिल्में थी और ये पहली हिंदी फिल्में थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका डेब्यू था इससे पहले उन्होंने करीबन 10 सालों तक मराठी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे आनंदी गोपाल करके जो दो में उन्होंने फिल्म बनाई थी वो एक सोशल इश्यू के ऊपर बनी फिल्म थी उसके ऊपर उन्होंने को नेशनल अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट फिल्म का तो एक अपने आप में बड़ी बात है एक एज ए डायरेक्टर के तौर पे एज ए राइटर के तौर पे भी उन्होंने कुछ फिल्मों को लिखा हुआ है जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के ऊपर उनकी डेब्यू फिल्म के ऊपर यानी कि सत्य प्रेम की कथा के ऊपर तो इसकी कहानी करण श्रीकांत शर्मा ने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले समीर विध्वंस का था वहीं पे साजिद नडियादवाला सरिन मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा ने इस फिल्म को करीबन साठ करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था नडियादवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट नमहा पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वहीं पर पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज मिली थी सेंसर बोर्ड की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला था जहाँ पे 144 मिनट के रन टाइम के साथ यानी कि दो घंटे 24 मिनट के रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन थे और कियारा आरा थे तो ये जोड़ी है वो जो फिल्म आई थी बुलबुलिया टू उसके बाद सेकंड बार फीचर हुई है जहाँ पे सिनेमेटोग्राफी वो वो का बोस ने की हुई थी एडिटिंग है वो चारू श्री रोई की हुई थी जिसने इस फिल्म को दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में हितेश सोनिक ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ था अमित प्रोस अनजान भट्टाचार्य तनिस बागची मनन भारद्वाज पायल देव रोचक कोहली और अली सेठी ने इसका जो गाना है वो कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल करीबन सभी वर्जन मिला ले तो आठ गाने थे टी सीरीज के पास म्यूजिक के राइट्स थे जिन्होंने अच्छी प्राइज़ में राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सत्य प्रेम यानी कि सत्तू का रोल कार्तिक आर्यन प्ले करते हुए नजर आएंगे जो लीड किरदार था उनके अपोजिट जो कथा का कापड़िया का रोल था वो के आर आडवाणी ने प्ले किया हुआ जो लीड एक्ट्रेस का रोल था गजराज राव जो सत्तू के फादर का रोल प्ले करते हुए नजर आते यानी कि नारायण का रोल सुप्रिया पाठक ने सत्तू की माँ का रोल यानी कि दिवाली का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धार्थ रांधेर ने हरी किशन कापड़िया का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा के फादर है वहीं पे कथा की जो माँ का रोल था रसना कापड़िया उसका रोल प्ले किया हुआ है अनुराधा पटेल ने राजपाल यादव इस फिल्म में डुडिया के रोल में दिखाई दे थे इसके अलावा शिखा तलसानिया को सेजल का रोल दिया हुआ था जो सत्तू की बहन का रोल था तपन मानक के रोल में अर्जुन अनिजा देखने को मिलते हैं मायरा दोसी ने इसमें किंजल का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा की सिस्टर का रोल है क्रिसमस मासी के रोल में निर्मित सावंत देखने को मिलेंगे इसके अलावा भौमिक आहिर ने चंद्रेश का रोल प्ले किया हुआ है पलाश तिवारी ने धीरज का रोल प्ले किया हुआ है जो किंजल के हस्बैंड का रोल था फिल्म के प्रोमिनेंट लीड कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन में बातचीत करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है एक मोशन पोस्टर के थ्रू की गई थी जहां पे साजिद नडियाद्वाला के द्वारा 23 जून 2021 को यह अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि समीर विद्वंस इस फिल्म के साथ हिंदी में अपना डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे और लीड रोल में कान होने वाले फिल्म को टाइटल दिया गया था सत्यनारायण की कथा लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी इस टाइटल के साथ जिसके चलते बाद में टाइटल को रीनेम किया गया सत्य प्रेम की कथा के साथ जहाँ पे सत्यप्रेम लीड के रोल का नाम था और कथा लीड एक्ट्रेस का नाम था जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में कार्तिक आर्यन को लीड रोल के लिए लिया गया था और उनका साजिद नडियादवाला के साथ पहला कोलोब्रेशन था और उनके अपोजिट सारवरी वाघ अनन्या पांडे जैसे एक्टर को अप्रोच की करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसके बाद में जो कास्टिंग थी वो कियाडावानी के साथ सेट हुई जिन्होंने इससे पहले पुलपलिया टू में काम किया था वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो इस फिल्म की बातचीत पुलपलिया टू से पहले चल रही थी उसके बाद में जब फिल्म सक्सेस हुई तब किया को अप्रोच किया गया सेम पेयर को रिपीट करने के लिए जहाँ पे कंफर्मेशन जुलाई दो में आई उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को कई लोकेशन में शूट किया था जैसे कि मुंबई काश्मीर अहमदाबाद वडोदरा श्रीनगर गुलमार्ग जैसे अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे तीन सितंबर 2022 को मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग के को स्टार्ट किया हुआ था मुंबई में पहला शेड्यूल था वो 6 अक्टूबर को कंप्लीट किया था उसके बाद में नवंबर 2022 में इस पूरे प्रोडक्शन को अहमदाबाद गुजरात ले जाया गया और वहाँ पर शूटिंग की गई थी मुंबई अहमदाबाद के बाद वडोदरा में कुछ सिकमन शूट किए हुए थे उसके बाद में काश्मीर में इकतीस मार्च दो को फाइनल शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था श्रीनगर गुलमार्ग में भी इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में कुछ पेचवर्क था वो अप्रैल महीने में मुंबई में किया हुआ था और उस पेचवर्क को कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को रेपअप करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से दो में रेपअप किया हुआ था उसके बाद साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज़ वालों के पास थे जिन्होंने जुलाई दो हजार तेईस को टी सीरीज ने इन सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज किया था फिल्म का जो पहला गाना था नसीब से उसको सत्ताइस मई दो को उन्होंने अवेलेबल किया था उसको लिखा हुआ था एम तुराज ने म्यूजिक दिया था पायल देव ने और पायल देव विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था आज के बाद जो गाना था जो मनन भारद्वाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भाजवाज का ही था तुलसी कुमार और मनन भारद्वाज ने उसको गाया था उस गाने को 10 जून 2023 को रिलीज किया था गुज्जू पटाखा जिसने एक बस क्रिएट किया था उस गाने को 16 जून 2023 को टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया गया था जिसको कुमार ने लिखा हुआ था मित ब्रोज अंजान ने म्यूजिक दिया हुआ था मित ब्रोज स्टार बॉय एलोसी ने उसको गाया हुआ था सुन सजनी जो गाना था उसको लेटर ऑन इक्कीस जून दो को टी सीरीज के द्वारा फोर सिंगल के तौर पर रिलीज करवाया

पीछे कोहली और अली सेती ने दिया हुआ था अरिजीत सिंह तुलसी कुमार के पास वो गाना गवाया गया था उसके बाद में ले आऊँगा जो गाना था उसको टी सीरीज के द्वारा एक जुलाई 2023 को रिलीज़ करवाया गया ये करीबन छठा सिंगल था जिसको तनिष बाकी और वायु श्रीवास्तव ने गाया हुआ था म्यूज़िक तनिष बाकी और अरिजीत सिंह ने दिया हुआ था सॉरी गीत म्यूज़िक था वो तनिष बाकी ने दिया था सिंगर अरिजीत सिंह थे रात बाकी गाने के लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे मित ब्रोस ने म्यूजिक दिया था सिंगर मोनाली ठाकुर पीयूष मेरोलिया और, पी और मित ब्रोस थे और उस गाने को एक जुलाई 2023 को सॉरी उस गाने को एक जुलाई 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था सेवन सिंगल के तौर पे उसके बाद में आज के बाद जो गाना था तो उसका रिप्राइज वर्जन था उसको भी एक जुलाई दो को टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया गया था जिसको मनन भादवाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भादवाज का ही था सिंगर मनन भादवाज और हिमानी कपूर थे तो ये टोटल आठ गाने थे फिल्म में रखे हुए जहाँ पे सभी गानों को तो प्रोड्यूस किया, किया हुआ था टी सीरीज ने यानी कि उन्होंने लेबल करवाया था जहाँ पे इकतीस मिनट सात सेकंड का साउंड रेखा एक जुलाई 2023 को उन्होंने सभी गानों का वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का टीज़र 18 मई 2023 को रिलीज़ किया था बुलबुल ए टू हिट होने के बाद इस फिल्म का टीज़र के साथ किया आरा अडवाणी और कार्तिकारेन का पेयर है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से एक आ, लक फैक्टर के तौर पे काम कर गया टीज़र को अच्छे व्यूज़ मिले एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया उसके बाद में ऑफिशियल ट्रेलर था उसको पाँच जून दो को रिलीज़ किया उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जब फिल्म को रिलीज़ किया तो एक अच्छी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन एक डिसेंट रिलीज़ मिली हुई थी जहाँ पे साठ करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट लेते हुए 29 जून 2023 को तेईस को का एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हुए हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी वी पे इस फिल्म ने करीबन पंद्रह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से इस फिल्म को पहले दिन एक अच्छा कलेक्शन मिला जहाँ पे पिछली फिल्म यानी कि शहजादा जो कार्तिक आर्यन के फ्लॉप फिल्म रही थी उसके बाद इस फिल्म से उन्होंने एक अच्छा काम भी किया हुआ था ट्वेंटी नाइन्थ जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को जब फिल्म को गुरुवार के दिन रिलीज़ किया तब नौ करोड़ पच्चीस लाख का इस फिल्म ने, ने नेट कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन इस फिल्म 6 50 ने छः करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन इस फिल्म ने ग्रोथ दिखाया दस करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था तो जहाँ पे इस फिल्म ने सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का पहले वीकेंड में कलेक्शन किया और उसके बाद में वीक डेज में इस फिल्म ने डिसेंट मैनर में परफॉर्म किया स्टेडी मैनर में जहाँ पे इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ नब्बे लाख ने ला का नेट कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वेनेसडे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के दिन तीन करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने एक एक्सटेंडेड वीक लिया हुआ था जिससे इस फिल्म का एक अट्ठावन करोड़ और सॉरी इक्यावन करोड़ साहठ लाख का कलेक्शन निकल के आया इंडिया से दूसरे वीक में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था दूसरे वीक में करीबन सत्रह करोड़ का कलेक्शन निकल

कलेक्शन निकाला हुआ था जिसके चलते सेकंड वीक सत्रह करोड़ का रहा इस फिल्म का जहाँ पे इस फिल्म ने दो वीक में काफी कंफर्टेबल मैनर में अड़सठ करोड़ से साठ लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में तीसरे वीकेंड में यानी कि तीसरे वीक में जो तीसरा वीकेंड था फ्राइडे के दिन तीसरे फ्राइडे में इस फिल्म पंचानवे लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ बीस लाख का सितर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन कलेक्शन और बढ़ा दो करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन हुआ इस वजह से इस फिल्म ने तीसरा वीकेंड है वो भी चार करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन के साथ कंप्लीट किया उसके बाद में इस फिल्म मंडे के दिन साठ लाख का वेन्स्डे के दिन पचपन लाख का थर्सडे के दिन पचास लाख का तो टोटल बाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से चौहत्तर करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे तीसरा वीक था वो फिल्म का करीबन छः करोड़ पच्चीस लाख का रहा चौथा वीक था वो करीबन दो करोड़ पच्चीस लाख का रहा पांचवें वीक में इस फिल्म ने पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया और छठे वीक में इस फिल्म ने दस लाख का नेट कलेक्शन किया इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से करीबन छः वीक के अंदर सतहत्तर करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसका जो ग्रोथ था वो काफ़ी बढ़िया रहा जहाँ पे बानवे करोड़ बत्तीस लाख का ग्रोस कलेक्शन इंडिया से रहा और से पच्चीस करोड़ और अब पैंतालीस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया और और से और इंडिया का मिला के करीबन वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने एक सौ सत्रह करोड़ सतर लाख का नेट कलेक्शन ग्रोथ कलेक्शन करके दिखाया साठ करोड़ के बजट के सामने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओटीटी और, और सेटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था वहां पर भी इस फिल्म ने एक अच्छी व्यवरशिप हासिल की हुई थी इस फिल्म के ओ राइट्स थे वो अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने पेपर व्यू के नाम के साथ फिल्म को पहले ओ पे प्रीमियर करवाया था उसके बाद ऑफिशियली प्रॉपर वे में प्रीमियर करवा दिया था सैटेलाइट राइट थे वो जी नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी पे प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो सत्य प्रेम की कथा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सत्य प्रेम की कथा फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिसियली टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो प्लस सॉरी 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 सोरी, सोरी, सोरी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंग्लिश सब्सक्रिप्शन वहीं पे इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप सत्य प्रेम की कथा फिल्म को ऑफिशियली टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो सत्य प्रेम की कथा जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी देखने को मिलेंगे इस फिल्म को डायरेक्ट किया है समीर विध्वंस ने समीर विध्वंस इससे पहले भी कई फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके कुछ मराठी फिल्में थी और ये पहली हिंदी फिल्में थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका डेब्यू था इससे पहले उन्होंने करीबन 10 सालों तक मराठी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे आनंदी गोपाल करके जो दो में उन्होंने फिल्म बनाई थी वो एक सोशल इश्यू के ऊपर बनी फिल्म थी उसके ऊपर उन्होंने को नेशनल अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट फिल्म का तो एक अपने आप में बड़ी बात है एज ए डायरेक्टर के तौर पे एज ए राइटर के तौर पे भी उन्होंने कुछ फिल्मों को लिखा हुआ है जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के ऊपर उनकी डेब्यू फिल्म के ऊपर यानी कि सत्य प्रेम की कथा के ऊपर तो इसकी कहानी करण श्रीकांत शर्मा ने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले समीर विद्वंस का था वहीं पे साजिद नडियादवाला सर मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा ने इस फिल्म को करीबन साठ करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था नडियादवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट नमहा पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वहीं पर पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज मिली थी सेंसर बोर्ड की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला था जहाँ पे 144 मिनट के रन टाइम के साथ यानी कि दो घंटे 24 मिनट के रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज किया हुआ था इस फिल्म की लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन थे और कियारा अडवानी थे तो ये जोड़ी है वो जो फिल्म आई थी बुलबुलर टू उसके बाद सेकंड बार फीचर हुई है जहाँ पे सिनेमेटोग्राफी वो वो का बोस ने की हुई थी एडिटिंग है वो चारू श्री रोई की हुई थी जिसने इस फिल्म को दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में हितेश सोनिक ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ था अमित प्रोस अनजान भट्टाचार्य तनिस बागची मनन भारद्वाज पायल देव रोचक कोहली और अली सेठी ने इसका जो गाना है वो कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल करीबन सभी वजन मिला ले तो आठ गाने थे टी सीरीज के पास म्यूजिक के राइट्स थे जिन्होंने अच्छी प्राइज में राइट्स खरीदे हुए थे

किशन कापड़िया का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा के फादर है वहीं पे कथा की जो माँ का रोल था रसना कापड़िया उसका रोल प्ले किया हुआ है अनुराधा पटेल ने राजपाल यादव इस फिल्म में डुडिया के रोल में दिखाई दे थे इसके अलावा शिखा तलसानिया को सेजल का रोल दिया हुआ था जो सत्तू की बहन का रोल था तपन मानक के रोल में अर्जुन अनेजा देखने को मिलते हैं मायरा दोसी ने, ने इसमें किंजल का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा की सिस्टर का रोल है क्रिसमस मासी के रोल में निर्मित सावंत देखने को मिलेंगे इसके अलावा भौमिक आहिर ने चंद्रेश का रोल प्ले किया हुआ है पलाश तिवारी ने धीरज का रोल प्ले किया हुआ है जो किंजल के हस्बैंड का रोल था तो फिल्म के प्रोमिनेंट लीड कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन में बातचीत करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक मोशन पोस्टर के थ्रू की गई थी जहां पे साजिद नडियादवाला के द्वारा 23 जून 2021 को यह अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि समीर विद्वान इस फिल्म के साथ हिंदी में अपना डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे और लीड रोल मिस का आर्यन होने वाले फिल्म को टाइटल दिया गया था सत्यनारायण की कथा लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी इस टाइटल के साथ जिसके चलते बाद में टाइटल को रीनेम किया गया सत्य प्रेम की कथा के साथ जहाँ पे सत्यप्रेम लीड के रोल का नाम था और कथा लीड एक्ट्रेस का नाम था जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में कार्तिक आर्यन को लीड रोल के लिए लिया गया था और उनका साजिद नडियादवाला के साथ पहला कोलोब्रेशन था और उनके अपोजिट सारवरी वाघ अनन्या पांडे जैसी एक्टर को अप्रोच की करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसके बाद में जो कास्टिंग थी वो कियाडावानी के साथ सेट हुई जिन्होंने इससे पहले पुलपलिया टू में काम किया था वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो इस फिल्म की बातचीत पुलपलिया टू से पहले चल रही थी उसके बाद में जब फिल्म सक्सेस हुई तब किआर को अप्रोच किया गया सेम पेयर को रिपीट करने के लिए जहाँ पे कंफर्मेशन जुलाई दो में आई उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को कई लोकेशंस में शूट किया था जैसे कि मुंबई काश्मीर अहमदाबाद वडोदरा श्रीनगर गुलमार्ग जैसे अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे 3 सितंबर 2022 को मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था मुंबई में पहला शेड्यूल था वो 6 अक्टूबर को कंप्लीट किया था उसके बाद में नवंबर 2022 में इस पूरे प्रोडक्शन को अहमदाबाद गुजरात ले जाया गया और वहाँ पर शूटिंग की गई थी मुंबई अहमदाबाद के बाद वड़ोदरा में कुछ सिकमन शूट किए हुए थे उसके बाद में काश्मीर में इकतीस मार्च दो को फाइनल शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था श्रीनगर गुलमार्ग में भी इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में कुछ पेचवर्क था वो अप्रैल महीने में मुंबई में किया हुआ था और उस पेचवर्क को कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को रेपअप करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से दो में रेपअप किया हुआ था उसके बाद में अब साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट टी सीरीज़ वालों के पास थे जिन्होंने काफी भारी रकम देते म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे इससे पहले फिल्म के भी राइट्स उन्होंने ही खरीदे हुए थे उस फिल्म में भी कार्तिका हरानी लीड रोल में थे जहाँ पे एक जुलाई दो को टी सीरीज ने इन सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज किया था फिल्म का जो पहला गाना था नसीब से उसको सत्ताईस मई दो को उन्होंने अवेलेबल किया था उसको लिखा हुआ था एम तुराज ने म्यूजिक दिया था पायल देव ने और पायल देव विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था आज के बाद जो गाना था जो मनन भारद्वाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भाजवाज का ही था तुलसी कुमार और मनन भाजवाज ने उसको गाया था उस गाने को 10 जून 2023 को रिलीज किया था गुज्जू पटाखा जिसने एक बस क्रिएट किया था उस गाने को 16 जून 2023 को टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया गया था जिसको कुमार ने लिखा हुआ था मित ब्रोज अंजान ने म्यूजिक दिया हुआ था मित ब्रोज स्टार बॉय एलोसी ने उसको गाया हुआ था सुन सजनी जो गाना था उसको लेटर ऑन इक्कीस जून दो को टी सीरीज के द्वारा फोर सिंगल के तौर पर रिलीज करवाया

अभिनेता कोहली और अली सेती ने दिया हुआ था अरिजीत सिंह तुलसी कुमार के पास वो गाना गवाया गया था उसके बाद में ले आऊँगा जो गाना था उसको टी सीरीज के द्वारा एक जुलाई 2023 को रिलीज करवाया गया ये करीबन छठा सिंगल था जिसको तनिज बागची और वायु श्रीवास्तव ने गाया हुआ था म्यूजिक तनिज बागची और अरिजीत सिंह ने दिया हुआ था सॉरी गीत म्यूजिक था वो तनिज बागची ने दिया था सिंगर अरिजीत सिंह थे रात बाकी गाने के लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे मित ब्रोस ने म्यूजिक दिया था सिंगर मोनाली ठाकुर पीयूष मेरोलिया और पी मित मेरो ब्रोस थे और उस गाने को एक जुलाई दो को सॉरी उस गाने को एक जुलाई दो को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था सेवन सिंगल के तौर पर उसके बाद में आज के बाद जो गाना था तो उसका रिप्राइज वर्जन था उसको भी एक जुलाई दो हज़ार तेईस को टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था जिसको मनन भादवाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भादवाज का ही था सिंगर मनन भादवाज और हिमानी कपूर थे तो ये टोटल आठ गाने थे फिल्म में रखे हुए जहाँ पे सभी गानों को तो प्रोड्यूस किया, कि कि किया हुआ था टी सीरीज़ ने यानी कि उन्होंने लेबल करवाया था जहाँ पे इस इकतीस मिनट सात सेकंड का साउंड रेखा एक जुलाई 2023 को उन्होंने सभी गानों का वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का टीज़र 18 मई 2023 को रिलीज़ किया था पुलबुल ए टू हिट होने के बाद इस फिल्म का टीज़र के साथ की आडवाणी और और का्तिकार का पेयर है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से एक आ, लक फैक्टर के तौर पे काम कर गया टीज़र को अच्छे व्यूज़ मिले एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया उसके बाद में ऑफिशियल ट्रेलर था उसको पाँच जून दो को रिलीज़ किया उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जब फिल्म को रिलीज़ किया तो एक अच्छी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन एक डिसेंट रिलीज़ मिली हुई थी जहां पे 60 करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट लेते हुए 29 जून 2023 को तेईस को का एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हुए हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम इस फिल्म में करीबन पंद्रह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से इस फिल्म को पहले दिन एक अच्छा कलेक्शन मिला जहाँ पे पिछली फिल्म यानी कि शहजादा जो कातिकारियन के फ्लॉप फिल्म रही थी उसके बाद इस फिल्म से उन्होंने एक अच्छा काम भी किया हुआ था ट्वेंटी नाइन जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को जब फिल्म को गुरुवार के दिन रिलीज किया तब नौ करोड़ पच्चीस लाख का इस फिल्म ने नेट ने कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने छः करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन इस फिल्म ने ग्रोथ दिखाया दस करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का पहले वीकेंड में कलेक्शन किया और उसके बाद में वीक डेज में इस फिल्म ने डिसेंट मैनर में परफॉर्म किया स्टेडी मैनर में जहाँ पे इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ नब्बे लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वेनेसडे के, के दिन तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के दिन तीन करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने एक एक्सटेंडेड वीक लिया हुआ था जिससे इस फिल्म का एक अट्ठावन करोड़ सॉरी इक्यावन करोड़ साहठ लाख का कलेक्शन निकल के आया इंडिया से दूसरे वीक में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था दूसरे वीक में करीबन सत्रह करोड़ का कलेक्शन निकल

लेक्शन निकाला हुआ था जिसके चलते सेकंड वीक सत्रह करोड़ का रहा इस फिल्म का जहां पे इस फिल्म ने दो वीक में काफी कंफर्टेबल मैनर में अड़सठ करोड़ साठ लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में तीसरे वीकेंड में यानी कि तीसरे वीक में जो तीसरा वीकेंड था फ्राइडे के दिन तीसरे फ्राइडे में इस फिल्म में पंचानवे लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ बीस लाख का सत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन कलेक्शन और बड़ा दो करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन हुआ इस वजह से इस फिल्म ने तीसरा वीकेंड है वो भी चार करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन के साथ कंप्लीट किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन सत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन साहठ लाख का वेन्स्डे के दिन पचपन लाख का थर्सडे के दिन पचास लाख का तो टोटल बाईस दिनों के अंदर इस फिल्म काफी बढ़िया तरीके से चौहत्तर करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन करके दिखाया जहाँ वीक था वो फिल्म का करीबन छ करोड़ पच्चीस लाख का रहा चौथा वीक था वो करीबन दो करोड़ पच्चीस लाख का रहा पांचवे वीक में इस फिल्म ने पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया और छठे वीक में इस फिल्म ने दस लाख का नेट कलेक्शन किया इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से करीबन छह वीक के अंदर सतहत्तर करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसका जो ग्रोस था वो काफ़ी बढ़िया रहा जहाँ पे बानवे करोड़ बत्तीस लाख का ग्रोस कलेक्शन इंडिया से रहा और ओवरसीज से पच्चीस करोड़ और अब पैंतालीस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया और और ओवरसी और इंडिया का मिला के करीबन वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने एक सौ सत्रह करोड़ सतर लाख का नेट कलेक्शन ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया साठ करोड़ के बजट के सामने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओ टी टी और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पे भी इस फिल्म ने एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई थी इस फिल्म के ओ टी टी थे वो एमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे जहां पे उन्होंने पेपर व्यू के नाम के साथ फिल्म को पहले ओटीटी पे प्रीमियर करवाया था उसके बाद ऑफिशियली प्रॉपर वे में प्रीमियर करवा दिया था सैटेलाइट राइट्स थे वो जी नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो सत्य प्रेम की कथा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा

मेटिक ड्रामा फिल्म है फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी देखने को मिलेंगे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ समीर विद्वंस ने समीर विद्वंस इससे पहले भी कई फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके कुछ मराठी फिल्में थी और ये पहली हिंदी फिल्में थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका डेब्यू था इससे पहले उन्होंने करीबन 10 सालों तक मराठी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे आनंदी गोपाल करके जो दो में उन्होंने फिल्म बनाई थी वो एक सोशल इश्यू के ऊपर बनी फिल्म थी उसके ऊपर उन्होंने को नेशनल अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट फिल्म का तो एक अपने आप में बड़ी बात है एज ए डायरेक्टर के तौर पे एज ए राइटर के तौर पे भी उन्होंने कुछ फिल्मों को लिखा हुआ है जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के ऊपर उनकी डेब्यू फिल्म के ऊपर यानी कि सत्य प्रेम की कथा के ऊपर तो इसकी कहानी करण श्रीकांत शर्मा ने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले डायरेक्टर समीर विध्वंस का था वहीं पे साजिद नडियादवाला सर मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा ने इस फिल्म को करीबन साठ करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था नडियादवाला ग्रैंडसन सन एंटरटेनमेंट नमहा पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वहीं पर पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज मिली थी सेंसर बोर्ड की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला था जहाँ पे 144 मिनट के रन टाइम के साथ यानी कि दो घंटे 24 मिनट के रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज किया हुआ था इस फिल्म की लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन थे और कियारा आरा थे तो ये जोड़ी है वो जो फिल्म आई थी बुलबुलिया टू उसके बाद सेकंड बार फीचर हुई है जहाँ पे सिनेमेटोग्राफी वो वो का बोस ने की हुई थी एडिटिंग है वो चारू श्री रोई ने की हुई थी जिसने इस फिल्म को दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में हितेश सोनिक ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ था अमित प्रोस अनजान भट्टाचार्य तनिस बागची मनन भारद्वाज पायल देव रोचक कोहली और अली सेठी ने इसका जो गाना है वो कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल करीबन सभी वर्जन मिला ले तो आठ गाने थे टी सीरीज के पास म्यूजिक के राइट्स थे जिन्होंने अच्छी प्राइज़ में राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सत्य प्रेम यानी कि सत्तू का रोल कातिकारियन प्ले करते हुए नजर आएंगे जो लीड किरदार था उनके अपोजिट जो कथा का कापड़िया का रोल था वो कियारा आडवाणी ने प्ले किया हुआ जो लीड एक्ट्रेस का रोल था गजराज राव जो सत्तू के फादर का रोल प्ले करते हुए नजर आते यानी कि नारायण का रोल सुप्रिया पाठक ने सत्तू की माँ का रोल यानी कि दिवाली का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धार्थ रांधेरिया ने हरी किशन कापड़िया का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा के फादर है वहीं पे कथा की जो माँ का रोल था रसना कापड़िया उसका रोल प्ले किया हुआ है अनुराधा पटेल ने राजपाल यादव इस फिल्म में डुडिया के रोल में दिखाई दे थे इसके अलावा शिखा तलसानिया को सेजल का रोल दिया हुआ था जो सत्तू की बहन का रोल था तपन मानक के रोल में अर्जुन अनिजा देखने को मिलते हैं मायरा दोसी ने इसमें किंजल का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा की सिस्टर का रोल है क्रिसमस मासी के रोल में निर्मित सावंत देखने को मिलेंगे इसके अलावा भौमिक आहिर ने चंद्रेश का रोल प्ले किया हुआ है पलाश तिवारी ने धीरज का रोल प्ले किया हुआ है जो किंजल के हस्बैंड का रोल था फिल्म के प्रोमिनेंट लीड कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन में बातचीत करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है एक मोशन पोस्टर के थ्रू की गई थी जहां पे साजिद नडियादवाला के द्वारा 23 जून 2021 को यह अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि समीर विद्वंस इस फिल्म के साथ हिंदी में अपना डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे और लीड रोल में का होने वाले फिल्म को टाइटल दिया गया था सत्यनारायण की कथा लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी इस टाइटल के साथ जिसके चलते बाद में टाइटल को रीनेम किया गया सत्य प्रेम की कथा के साथ जहाँ पे सत्यप्रेम लीड के रोल का नाम था और कथा लीड एक्ट्रेस का नाम था जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में कार्तिक आर्यन को लीड रोल के लिए लिया गया था और उनका साजिद नडियादवाला के साथ पहला कोलोब्रेशन था और उनके अपोजिट सारवरी वाघ अनन्या पांडे जैसी एक्टर को अप्रोच की करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसके बाद में जो कास्टिंग थी वो किया आडावानी के साथ सेट हुई जिन्होंने इससे पहले पुलपलिया टू में काम किया था वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो इस फिल्म की बातचीत पुलपलिया टू से पहले चल रही थी उसके बाद में जब फिल्म सक्सेस हुई तब किया को अप्रोच किया गया सेम पेयर को रिपीट करने के लिए जहाँ पे कंफर्मेशन जुलाई दो में आई उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को कई लोकेशन में शूट किया था जैसे कि मुंबई काश्मीर अहमदाबाद वडोदरा श्रीनगर गुलमार्ग जैसे अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे तीन सितंबर 2022 को मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था मुंबई में पहला शेड्यूल था वो 6 अक्टूबर को कंप्लीट किया था उसके बाद में नवंबर 2022 में इस पूरे प्रोडक्शन को अहमदाबाद गुजरात ले जाया गया और वहाँ पर शूटिंग की गई थी मुंबई अहमदाबाद के बाद वडोदरा में कुछ सिकमन शूट किए हुए थे उसके बाद में काश्मीर में इकतीस मार्च दो को फाइनल शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था श्रीनगर गुलमार्ग में भी इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में कुछ पेचवर्क था वो अप्रैल महीने में मुंबई में किया हुआ था और उस पेचवर्क को कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को रेपअप करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से दो में रेपअप किया हुआ था उसके बाद में अब साउंड ट्रेक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज़ वालों के पास थे जुलाई दो हजार तेईस को टी सीरीज ने इन सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज किया था फिल्म का जो पहला गाना था नसीब से उसको सत्ताइस मई दो को उन्होंने अवेलेबल किया था उसको लिखा हुआ था एम तुराज ने म्यूजिक दिया था पायल देव ने और पायल देव विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था आज के बाद जो काना था जो मनन भारद्वाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भाजवाज का ही था तुलसी कुमार और मनन भादवाज ने उसको गाया था उस गाने को 10 जून 2023 को रिलीज किया था गुज्जू पटाखा जिसने एक बस क्रिएट किया था उस गाने को 16 जून 2023 को टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया गया था जिसको कुमार ने लिखा हुआ था मित ब्रोज अंजान ने म्यूजिक दिया हुआ था मित ब्रोज स्टार बॉय एलोसी ने उसको गाया हुआ था सुन सजनी जो गाना था उसको लेटर ऑन इक्कीस जून दो को टी सीरीज के द्वारा फोर सिंगल के तौर पर रिलीज करवाया

कोहली और अली ने दिया हुआ था अरिजीत सिंह तुलसी कुमार के पास वो गाना गवाया गया था उसके बाद में ले आऊंगा जो गाना था उसको टी सीरीज के द्वारा एक जुलाई दो को रिलीज करवाया गया ये करीबन छठा सिंगल था जिसको तनिस बाग्य और वायु श्रीवास्तव ने गाया हुआ था म्यूजिक और अरिजीत सिंह ने दिया हुआ था सॉरी गीत म्यूजिक था वो तनिष बाग्य ने दिया था सिंगर अरिजीत सिंह थे रात बाकी गाने के लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे मित ब्रोस ने म्यूजिक दिया था सिंगर मोनाली ठाकुर पीयूष मेरोलिया और मित ब्रोस थे और उस गाने को एक जुलाई 2023 को सॉरी उस गाने को एक जुलाई 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया आया गया था सेवन सिंगल के तौर पे उसके बाद में आज के बाद जो गाना था तो उसका रिप्राइज वर्जन था उसको भी 1 जुलाई 2023 को टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया गया था जिसको मनन भादवाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भादवाज का ही था सिंगर मनन भादवाज और हिमानी कपूर थे तो ये टोटल आठ गाने थे फिल्म में रखे हुए जहां पे सभी गानों को तो प्रोड्यूस किया, कि कि किया हुआ था टी सीरीज़ ने यानी कि उन्होंने लेबल करवाया था जहाँ पे इस इकतीस मिनट सात सेकंड का साउंड रेखा एक जुलाई 2023 को उन्होंने सभी गानों का वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का टीज़र 18 मई 2023 को रिलीज किया था पुलबलेट टू हट होने के बाद इस फिल्म का टीज़र के साथ की आडवाणी और कार्तिक आर्यन का पेयर है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से एक आ, लक फैक्टर के तौर पे काम कर गया टीज़र को अच्छे व्यूज़ मिले एक पॉजिटिव रिस्पांस भी आया उसके बाद में ऑफिशियल ट्रेलर था उसको पाँच जून दो को रिलीज़ किया उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जब फिल्म को रिलीज़ किया तो एक अच्छी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन एक डिसेंट रिलीज़ मिली हुई थी जहां पे साठ करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए 29 जून 2023 को तेईस को का एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हुए हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी फिल्म ने करीबन पंद्रह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से इस फिल्म को पहले दिन एक अच्छा कलेक्शन मिला जहाँ पे पिछली फिल्म यानी कि शहजादा जो कार्तिक आर्यन के फ्लॉप फिल्म रही थी उसके बाद इस फिल्म से उन्होंने एक अच्छा काम भी किया हुआ था ट्वेंटी नाइन्थ जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को जब फिल्म को गुरुवार के दिन रिलीज किया तब नौ करोड़ पच्चीस लाख का इस फिल्म ने नेट ने कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने छः करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन इस फिल्म ने ग्रोथ दिखाया दस करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था तो जहाँ पे इस फिल्म ने सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का पहले वीकेंड में कलेक्शन किया और उसके बाद में वीक डेज में इस फिल्म ने डिसेंट मैनर में परफॉर्म किया स्टेडी मैनर में, में जहाँ पे इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ नब्बे लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वेनेसडे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के दिन तीन करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने एक एक्सटेंडेड वीक लिया हुआ था जिससे इस फिल्म का एक अट्ठावन करोड़ और सॉरी इक्यावन करोड़ साहठ लाख का कलेक्शन निकल के आया इंडिया से दूसरे वीक में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था दूसरे वीक में करीबन सत्रह करोड़ का कलेक्शन निकल

कलेक्शन निकाला हुआ था जिसके चलते सेकंड वीक सत्रह करोड़ का रहा इस फिल्म का जहां पे इस फिल्म ने दो वीक में काफी कंफर्टेबल मैनर में अड़सठ करोड़ साठ लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में तीसरे वीकेंड में यानी कि तीसरे वीक में जो तीसरा वीकेंड था फ्राइडे के दिन तीसरे फ्राइडे में इस फिल्म में पंचानवे लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ बीस लाख का सत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन कलेक्शन और बढ़ा दो करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन हुआ इस वजह से इस फिल्म ने तीसरा वीकेंड है वो भी चार करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन के साथ कंप्लीट किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन सत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन साहठ लाख का वेनस्डे के दिन पचपन लाख का थर्सडे के दिन पचास लाख का तो टोटल बाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से चौहत्तर करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे तीसरा वीक था वो फिल्म का करीबन छः करोड़ पच्चीस लाख का रहा चौथा वीक था वो करीबन दो करोड़ पच्चीस लाख का रहा पाँचवें वीक में इस फिल्म ने पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया और छठे वीक में इस फिल्म ने दस लाख का नेट कलेक्शन किया इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से करीबन छः वीक के अंदर सतहत्तर करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसका जो ग्रोथ था वो काफ़ी आ, बढ़िया रहा जहाँ पे बानवे करोड़ बत्तीस लाख का क्रॉस कलेक्शन इंडिया से रहा ओवरसिज से पच्चीस करोड़ और अब पैंतालीस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया और 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 इंडिया का मिला के करीबन वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने एक सौ सत्रह करोड़ सतहत्तर लाख का नेट कलेक्शन ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया साठ करोड़ के बजट के सामने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओ टी टी और, और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पर भी इस फिल्म ने एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई थी इस फिल्म के ओ टी टी राइट थे वो अमेजोन प्राइम विडियो वालों ने खरीदे हुए थे जहां पे उन्होंने पेपर व्यू के नाम के साथ फिल्म को पहले ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया था उसके बाद ऑफिशियली प्रॉपर वे में प्रीमियर करवा दिया था सैटेलाइट राइट्स थे वो जी नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी पे प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो सत्य प्रेम की कथा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो अमेजोन प्राइम विडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा

रोमांटिक ड्रामा फिल्म है फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी देखने को मिलेंगे इस फिल्म को डायरेक्ट किया है समीर विद्वंस ने समीर विद्वंस इससे पहले भी कई फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके कुछ मराठी फिल्में थी और ये पहली हिंदी फिल्में थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका डेब्यू था इससे पहले उन्होंने करीबन 10 सालों तक मराठी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे आनंदी गोपाल करके जो दो में उन्होंने फिल्म बनाई थी वो एक सोशल इश्यू के ऊपर बनी फिल्म थी उसके ऊपर उन्होंने को नेशनल अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट फिल्म का तो एक अपने आप में बड़ी बात है एक एज ए डायरेक्टर के तौर पे एज ए राइटर के तौर पे भी उन्होंने कुछ फिल्मों को लिखा हुआ है जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के ऊपर उनकी डेब्यू फिल्म के ऊपर यानी कि सत्य प्रेम की कथा के ऊपर तो इसकी कहानी करण श्रीकांत शर्मा ने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले समीर विद्वंस का था वहीं पे साजिद नडियादवाला सर मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा ने इस फिल्म को करीबन साठ करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था नडियादवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट नमहा पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वहीं पर पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज मिली थी सेंसर बोर्ड की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला था जहाँ पे 144 मिनट के रन टाइम के साथ यानी कि दो घंटे 24 मिनट के रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन थे और कियारा अडवानी थे तो ये जोड़ी है वो जो फिल्म आई थी बुलबुल एट उसके बाद सेकंड बार फीचर हुई है जहाँ पे सिनेमेटोग्राफी वो वो का बोस ने की हुई थी एडिटिंग ये वो चारू श्री रोई ने की हुई थी जिसने इस फिल्म को दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में हितेश सोनिक ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ था अमित प्रोस अनजान भट्टाचार्य तनिष बागची मनन भारद्वाज पायल देव रोचक कोहली और अली सेठी ने इसका जो गाना है वो कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल करीबन सभी वर्जन मिला ले तो आठ गाने थे टी सीरीज के पास म्यूजिक के राइट्स थे जिन्होंने अच्छी प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सत्य प्रेम यानी कि सत्तू का रोल आर्यन प्ले करते हुए नजर आएंगे जो लीड किरदार था उनके अपोजिट जो कथा का कापड़िया का रोल था वो के आडवाणी ने प्ले किया हुआ जो लीड एक्ट्रेस का रोल था गजराज राव जो सत्तू के फादर का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं यानी कि नारायण का रोल सुप्रिया पाठक ने सत्तू की माँ का रोल यानी कि दिवाली का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धार्थ रंदिर ने हरी किशन कापड़िया का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा के फादर है वहीं पे कथा की जो माँ का रोल था रसना कापड़िया उसका रोल प्ले किया हुआ है अनुराधा पटेल ने राजपाल यादव इस फिल्म में डुडिया के रोल में दिखाई दे थे इसके अलावा शिखा तलसानिया को सेजल का रोल दिया हुआ था जो सत्तु की बहन का रोल था तपन मानक के रोल में अर्जुन अनिजा देखने को मिलते हैं मायरा दोषी ने इसमें किंजल का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा की सिस्टर का रोल है क्रिसमस मासी के रोल में निर्मित सावंत देखने को मिलेंगे इसके अलावा भौमिक आहिर ने चंद्रेश का रोल प्ले किया हुआ है पलाश तिवारी ने धीरज का रोल प्ले किया हुआ है जो किंजल के हस्बैंड का रोल था तो फिल्म के प्रोमिनेंट लीड कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन में बातचीत करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है एक मोशन पोस्टर के थ्रू की गई थी जहां पे साजिद नडियादवाला के द्वारा 23 जून 2021 को यह अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि समीर विद्वंस इस फिल्म के साथ हिंदी में अपना डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे और लीड रोल मिस का कान होने वाले फिल्म को टाइटल दिया गया था सत्यनारायण की कथा लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी इस टाइटल के साथ जिसके चलते बाद में टाइटल को रीनेम किया गया सत्य प्रेम की कथा के साथ जहाँ पे सत्यप्रेम प्रेम लीड के रोल का नाम था और कथा लीड एक्ट्रेस का नाम था जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में कार्तिक आर्यन को लीड रोल के लिए लिया गया था और उनका साजिद नडियादवाला के साथ पहला कोलोपरेशन था और उनके अपोजिट सारवरी वाघ अनन्या पांडे जैसे एक्टर को अप्रोच की करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसके बाद में जो कास्टिंग थी वो की आर आडवाणी के साथ सेट हुई जिन्होंने इससे पहले पुलपलिया पुल टू में काम किया था वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो इस फिल्म की बातचीत पुलपलिया पुल टू से पहले चल रही थी उसके बाद में जब फिल्म सक्सेस हुई तब की आर आडवाणी को अप्रोच किया गया सेम पेयर को रिपीट करने के लिए जहाँ पे कन्फर्मेशन जुलाई दो में आई उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को कई लोकेशंस में शूट किया था जैसे कि

श्रीनगर गुलमार्ग जैसे अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे 3 सितंबर 2022 को मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था मुंबई में पहला शेड्यूल था वो 6 अक्टूबर को कंप्लीट किया था उसके बाद में नवंबर 2022 में इस पूरे प्रोडक्शन को अहमदाबाद गुजरात ले जाया गया और वहाँ पर शूटिंग की गई थी मुंबई अहमदाबाद के बाद वडोदरा में कुछ सिकमन शूट किए हुए थे उसके बाद में काश्मीर में इकतीस मार्च दो को फाइनल शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था श्रीनगर गुलमार्ग में भी इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में कुछ पेचवर्क था वो अप्रैल महीने में मुंबई में किया हुआ था और उस पेचवर्क को कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को रेपअप करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से दो में रेपअप किया हुआ था उसके बाद में अब साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट टी सीरीज वालों के पास थे, जिन्होंने काफ़ी रकम देते हैं। के खरीदे हुए थे। एक, एक, का एक जुलाई दो हजार तेईस को टी सीरीज ने इन सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज किया था फिल्म का जो पहला गाना था नसीब से उसको सत्ताइस मई दो को उन्होंने अवेलेबल किया था उसको लिखा हुआ था एम तुराज ने म्यूजिक दिया था पायल देव ने और पायल देव विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था आज के बाद जो गाना था जो मनन भारद्वाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भाजवाज का ही था तुलसी कुमार और मनन भारद्वाज ने उसको गाया था उस गाने को 10 जून 2023 को रिलीज किया था गुज्जू पटाका जिसने एक बस क्रिएट किया था उस गाने को 16 जून 2023 को टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया गया था जिसको कुमार ने लिखा हुआ था मिथ ब्रोज अंजान ने म्यूजिक दिया हुआ था मित ब्रोज स्टार बॉय एलोसी ने उसको गाया हुआ था सुन सजनी जो गाना था उसको लेटर ऑन इक्कीस जून दो को टी सीरीज के द्वारा फोर सिंगल के तौर पर रिलीज करवाया गया था जिसको कुमार ने लिखा हुआ था मिंद ने म्यूजिक दिया हुआ था, किया 2022 में पाकिस्तानी पसुरी था जिसको अली ने गाया होता से गिल के साथ था, अली के द्वारा कंपोज किया गया था फजल अब्बास के द्वारा और अली के द्वारा लिरिक्स लिखे गए थे और इस गाने का बाद में रिक्रिएटेड वर्जन था जिसके लिरिक्स से गुरप्रीत साइन और अली ने लिखा हुआ था म्यूजिक है वो कोहली और अली ने दिया हुआ था अरिजीत सिंह तुलसी कुमार के पास वो गाना गवाया गया था उसके बाद में ले आऊंगा जो गाना था उसको टी सीरीज के द्वारा एक जुलाई दो हजार तेईस को रिलीज करवाया गया ये करीबन छठा सिंगल था जिसको तनिष बागची और वायु श्रीवास्तव ने गाया हुआ था म्यूजिक तनिष बागची और अरिजीत सिंह ने दिया हुआ था सॉरी गीत म्यूजिक था वो तनिष बागची ने दिया था सिंगर अरिजीत सिंह थे रात बाकी गाने के लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे मित ब्रोस ने म्यूजिक दिया था सिंगर मोनाली ठाकुर पीयूष मेरोलिया और मित ब्रोस थे और उस गाने को एक जुलाई दो हजार तेईस को सॉरी उस गाने को एक जुलाई दो हजार तेईस को ऑफिशियली रिलीज करवाया आया गया था सेवन सिंगल के तौर पे उसके बाद में आज के बाद जो गाना था तो उसका रिप्राइज वर्जन था उसको भी 1 जुलाई 2023 को टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया गया था जिसको मनन भадवाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भадवाज का ही था सिंगर मनन भадवाज और हिमानी कपूर थे तो ये टोटल आठ गाने थे फिल्म में रखे हुए जहां पे सभी गानों को तो प्रोड्यूस किया, कि कि किया हुआ था टी सीरीज़ ने यानी कि उन्होंने लेबल करवाया था जहाँ पे इस इकतीस मिनट सात सेकंड का साउंड रेखा एक जुलाई 2023 को उन्होंने सभी गानों का वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का टीज़र 18 मई 2023 को रिलीज़ किया था बुलबुल बुल ए टू हिट होने के बाद इस फिल्म का टीज़र के साथ किया आर आडवानी और का्तिकार इनका पेयर है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से एक आ, लक फैक्टर के तौर पे काम कर गया टीज़र को अच्छे व्यूज़ मिले एक पॉजिटिव रिस्पांस भी आया उसके बाद में ऑफिशियल ट्रेलर था उसको पाँच जून दो को रिलीज़ किया उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जब फिल्म को रिलीज़ किया तो एक अच्छी स्क्रीनस में फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन एक डिसेंट रिलीज़ मिली हुई थी जहां पे 60 करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट लेते हुए 29 जून 2023 को तेईस को का एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हुए हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम इस फिल्म ने करीबन पंद्रह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से इस फिल्म को पहले दिन एक अच्छा कलेक्शन मिला जहाँ पे पिछली फिल्म यानी कि शहजादा जो कातिकारियन के फ्लॉप फिल्म रही थी उसके बाद इस फिल्म से उन्होंने एक अच्छा काम भी किया हुआ था ट्वेंटी नाइन जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को जब फिल्म को गुरुवार के दिन रिलीज किया तब नौ करोड़ पच्चीस लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन ने किया फ्राइडे के, के दिन इस फिल्म ने छः करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन इस फिल्म ने ग्रोथ दिखाया दस करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था तो जहाँ पे इस फिल्म ने सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का पहले वीकेंड में कलेक्शन किया और उसके बाद में विक डेज में इस फिल्म ने डिसेंट मैनर में, में परफॉर्म किया स्टेडी मैनर में जहाँ पे इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ नब्बे लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वेनसडे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के दिन तीन करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने एक एक्सटेंडेड वीक लिया हुआ था जिससे इस फिल्म का एक अट्ठावन करोड़ सॉरी इक्यावन करोड़ साहठ लाख का कलेक्शन निकल के आया इंडिया से दूसरे वीक में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था दूसरे वीक में करीबन सत्रह करोड़ का कलेक्शन निकल

लेक्शन निकाला हुआ था जिसके चलते सेकंड वीक सत्रह करोड़ का रहा इस फिल्म का जहाँ पे इस फिल्म ने दो वीक में काफी कंफर्टेबल मैनर में अड़सठ करोड़ साठ लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में तीसरे वीकेंड में यानी कि तीसरे वीक में जो तीसरा वीकेंड था फ्राइडे के दिन तीसरे फ्राइडे में इस फिल्म में पंचानवे लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ बीस लाख का सत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन कलेक्शन और बड़ा दो करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन हुआ वा इस वजह से इस फिल्म ने तीसरा वीकेंड है वो भी चार करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन के साथ कंप्लीट किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन सत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन साहठ लाख का वेन्स्डे के दिन पचपन लाख का थर्सडे के दिन पचास लाख का तो टोटल बाईस दिनों के अंदर इस फिल्म काफी बढ़िया तरीके से पांचवे वीक में इस फिल्म ने पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया और छठे वीक में इस फिल्म ने दस लाख का नेट कलेक्शन किया इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से करीबन छह वीक के अंदर सतहत्तर करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसका जो ग्रोथ था वो काफी आ, बढ़िया रहा जहाँ पे बानवे करोड़ बत्तीस लाख का ग्रोस कलेक्शन इंडिया से रहा ओवर से पच्चीस करोड़ और अब पैंतालीस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया और ओवर और, और इंडिया का मिला के करीबन वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने एक सौ सत्रह करोड़ 77 लाख का नेट कलेक्शन ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया साठ करोड़ के बजट के सामने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई

टेलेट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो सत्य प्रेम की कथा जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी देखने को मिलेंगे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ समीर विद्वंस ने समीर विद्वंस इससे पहले भी कई फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके कुछ मराठी फिल्में थी और ये पहली हिंदी फिल्में थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका डेब्यू था इससे पहले उन्होंने करीबन 10 सालों तक मराठी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे आनंदी गोपाल करके जो दो में उन्होंने फिल्म बनाई थी वो एक सोशल इशू के ऊपर बनी फिल्म थी उसके ऊपर उन्होंने को नेशनल अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट फिल्म का तो एक अपने आप में बड़ी बात है एक एज ए डायरेक्टर के तौर पे एज ए राइटर के तौर पे भी उन्होंने कुछ फिल्मों को लिखा हुआ है जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के ऊपर उनकी डेब्यू फिल्म के ऊपर यानी कि सत्य प्रेम की कथा के ऊपर तो इसकी कहानी करण श्रीकांत शर्मा ने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले समीर विध्वंस का था वहीं पे साजिद नडियादवाला सर मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा ने इस फिल्म को करीबन साठ करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था नडियादवाला ग्रैंडसन सन एंटरटेनमेंट नमहा पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वहीं पर पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज मिली थी सेंसर बोर्ड की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला था जहाँ पे 144 मिनट के रन टाइम के साथ यानी कि दो घंटे 24 मिनट के रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज किया हुआ था इस फिल्म की लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन थे और कियारा आरा थे तो ये जोड़ी है वो जो फिल्म आई थी बुलबुलिया टू उसके बाद से कंड बार फीचर हुई है जहाँ पे सिनेमेटोग्राफी वो वो का बोस ने की हुई थी एडिटिंग है वो चारू श्री रोई की हुई थी जिसने इस फिल्म को दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में हितेश सोनिक ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ था अमित प्रोस अनजान भट्टाचार्य तनिस बागची मनन भारद्वाज पायल देव रोचक कोहली और अली सेठी ने इसका जो गाना है वो कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल करीबन सभी वजन मिला ले तो आठ गाने थे टी सीरीज़ के पास म्यूजिक के राइट्स थे जिन्होंने अच्छी प्राइज़ में राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सत्य प्रेम कि सत्तू का रोल आर्यन का प्ले करते हुए नजर आएंगे जो लीड किरदार था उनके अपोजिट जो कथा का कापड़िया का रोल था वो के आर आडवाणी ने प्ले किया हुआ जो लीड एक्ट्रेस का रोल था गजराज राव जो सत्तू के फादर का रोल प्ले करते हुए नजर आते यानी कि नारायण का रोल सुप्रिया पाठक ने सत्तू की माँ का रोल यानी कि दिवाली का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धार्थ रंधेरिया ने हरी किसन कापड़िया का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा के फादर है वहीं पे कथा की जो माँ का रोल था रसना कापड़िया उसका रोल प्ले किया हुआ है अनुराधा पटेल ने राजपाल यादव इस फिल्म में डुडिया के रोल में दिखाई दे थे इसके अलावा शिखा तलसानिया को सेजल का रोल दिया हुआ था जो सत्तू की बहन का रोल था तपन मानिक के रोल में अर्जुन अनिजा देखने को मिलते हैं मायरा दोसी ने इसमें किंजल का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा की सिस्टर का रोल है क्रिसमस मासी के रोल में निर्मित सावंत देखने को मिलेंगे इसके अलावा भौमिक आहिर ने चंद्रेश का रोल प्ले किया हुआ है पलाश तिवारी ने धीरज का रोल प्ले किया है जो किंजल के हस्बैंड का रोल था फिल्म के प्रोमिनेंट लीड कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन में बातचीत करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है एक मोशन पोस्टर के थ्रू की गई थी जहां पे साजिद नडियाद्वाला के द्वारा 23 जून 2021 को यह अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि समीर विद्वान इस फिल्म के साथ हिंदी में अपना डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे और लीड रोल में का कान होने वाले फिल्म को टाइटल दिया गया था सत्यनारायण की कथा लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी इस टाइटल के साथ जिसके चलते बाद में टाइटल को रीनेम किया गया सत्य प्रेम की कथा के साथ जहाँ पे सत्यप्रेम लीड के रोल का नाम था और कथा लीड एक्ट्रेस का नाम था जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में कार्तिक आर्यन को लीड रोल के लिए लिया गया था और उनका साजिद नडियादवाला के साथ पहला कोलोब्रेशन था और उनके अपोजिट सारवरी वाघ अनन्या पांडे जैसी एक्टर को अप्रोच की करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसके बाद में जो कास्टिंग थी वो कियाडावानी के साथ सेट हुई जिन्होंने इससे पहले पुलपलिया पुल टू में काम किया था वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो इस फिल्म की बातचीत पुलपलिया टू से पहले चल रही थी उसके बाद में जब फिल्म सक्सेस हुई तब किया को अप्रोच किया गया सेम पेयर को रिपीट करने के लिए जहाँ पे कंफर्मेशन जुलाई 2022 में आई उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को कई लोकेशंस में शूट किया था जैसे कि मुंबई काश्मीर अहमदाबाद वडोदरा श्रीनगर गुलमार्ग जैसे अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे तीन सितंबर 2022 को मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था मुंबई में पहला शेड्यूल था वो 6 अक्टूबर को कंप्लीट किया था उसके बाद में नवंबर 2022 में इस पूरे प्रोडक्शन को अहमदाबाद गुजरात ले जाया गया और वहाँ पर शूटिंग की गई थी मुंबई अहमदाबाद के बाद वडोदरा में कुछ सिकमन शूट किए हुए थे उसके बाद में काश्मीर में इकतीस मार्च दो को फाइनल शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था श्रीनगर गुलमार्ग में भी इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में कुछ पेच वर्क था वो अप्रैल महीने में मुंबई में किया हुआ था और उस पेचवर्क को कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को रेपअप करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से दो में रेपअप किया हुआ था उसके बाद साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के टी सीरीज वालों के पास थे जिन्होंने का जुलाई दो हजार तेईस को टी सीरीज़ ने इन सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज किया था फिल्म का जो पहला गाना था नसीब से उसको सत्ताइस मई दो को उन्होंने अवेलेबल किया था उसको लिखा हुआ था एम तुराज ने म्यूजिक दिया था पायल देव ने और पायल देव विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था आज के बाद जो गाना था जो मनन भारद्वाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भारवाज का ही था तुलसी कुमार और मनन भारद्वाज ने उसको गाया था उस गाने को 10 जून 2023 को रिलीज किया था गुज्जू पटाका जिसने एक बस क्रिएट किया था उस गाने को 16 जून 2023 को टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया गया था जिसको कुमार ने लिखा हुआ था मित ब्रोज अंजान ने म्यूजिक दिया हुआ था मित ब्रोज स्टार बॉय एलोसी ने उसको गाया हुआ था सुन सजनी जो गाना था उसको लेटर ऑन इक्कीस जून दो को टी सीरीज के द्वारा फोर सिंगल के तौर पर रिलीज करवाया

और अली ने दिया हुआ था अरिजीत सिंह तुलसी कुमार के पास वो रिलीज करवाया गया था, था, करवाया था।, ये सिंगल था जिसको बागती और ने गाया हुआ था म्यूजिक तनिष बागती और अरिजीत सिंह ने दिया हुआ था सॉरी गीत म्यूजिक था वो तनिष बागची ने दिया था सिंगर अरिजीत सिंह थे रात बाकी गाने के लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे मित ब्रोस ने म्यूजिक दिया था सिंगर मोनाली ठाकुर पीयूष मेरोलिया और पी मित मेरो ब्रोस थे और उस गाने को एक जुलाई 2023 को सॉरी उस गाने को एक जुलाई 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था सेवन सिंगल के तौर पे उसके बाद में आज के बाद जो गाना था तो उसका रिप्राइज वर्जन था उसको भी एक जुलाई दो को टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया गया था जिसको मनन भादवाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भादवाज का ही था सिंगर मनन भादवाज और हिमानी कपूर थे तो ये टोटल आठ गाने थे फिल्म में रखे हुए जहाँ पे सभी गानों को तो प्रोड्यूस किया, कि कि किया हुआ था टी सीरीज़ ने यानी कि उन्होंने लेबल करवाया था जहाँ पे इस इकतीस मिनट सात सेकंड का साउंड रेखा एक जुलाई 2023 को उन्होंने सभी गानों का वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का टीज़र 18 मई 2023 को रिलीज किया था पुलबलेटू हिट होने के बाद इस फिल्म का टीज़र के साथ कियारा आडवाणी और कार्तिकारिन का पेयर है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से एक लक फैक्टर के तौर पे काम कर गया टीजर को अच्छे व्यूज़ मिले एक पॉजिटिव रिस्पांस भी आया उसके बाद में ऑफिशियल ट्रेलर था उसको पाँच जून दो को रिलीज़ किया उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जब फिल्म को रिलीज़ किया तो एक अच्छी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन एक डिसेंट रिलीज़ मिली हुई थी जहां पे साठ करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए 29 जून 2023 को पेन मरुद का एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हुए हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी इस फिल्म ने करीबन पंद्रह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से इस फिल्म को पहले दिन एक अच्छा कलेक्शन मिला जहाँ पे पिछली फिल्म यानी कि शहजादा जो कार्तिक आर्यन के फ्लॉप फिल्म रही थी उसके बाद इस फिल्म से उन्होंने एक अच्छा कम भी किया हुआ था ट्वेंटी नाइन्थ जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को जब फिल्म को गुरुवार के दिन रिलीज़ किया तब नौ करोड़ पच्चीस लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया फ्राइडे के, के दिन इस फिल्म ने छः करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन इस फिल्म ने ग्रोथ दिखाया दस करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का पहले वीकेंड में कलेक्शन किया और उसके बाद में वीक डेज में इस फिल्म ने डिसेंट मैनर में परफॉर्म किया स्टेडी मैनर में जहां पे इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ नब्बे लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वेनेसडे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के दिन तीन करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने एक एक्सटेंडेड वीक लिया हुआ था जिससे इस फिल्म का एक अट्ठावन करोड़ और सॉरी इक्यावन करोड़ साठ लाख का कलेक्शन निकल के आया इंडिया से दूसरे वीक में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था दूसरे वीक में करीबन सत्रह करोड़ का कलेक्शन निकल

कलेक्शन निकाला हुआ था जिसके चलते सेकंड वीक सत्रह करोड़ का रहा इस फिल्म का जहां पे इस फिल्म ने दो वीक में काफी कंफर्टेबल मैनर में अड़सठ करोड़ साठ लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में तीसरे वीकेंड में यानी कि तीसरे वीक में जो तीसरा वीकेंड था फ्राइडे के दिन तीसरे फ्राइडे में इस फिल्म में पंचानवे लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ बीस लाख का सत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन कलेक्शन और बड़ा दो करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन हुआ इस वजह से इस फिल्म ने तीसरा वीकेंड है वो भी चार करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन के साथ कंप्लीट किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन सत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन साहठ लाख का वेन्स्डे के दिन पचपन लाख का थर्सडे के दिन पचास लाख का तो टोटल बाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से चौहत्तर करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे तीसरा वीक था वो फिल्म का करीबन छः करोड़ पच्चीस लाख का रहा चौथा वीक था वो करीबन दो करोड़ पच्चीस लाख का रहा पाँचवें वीक में इस फिल्म ने पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया और छठे वीक में इस फिल्म ने दस लाख का नेट कलेक्शन किया इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से करीबन छः वीक के अंदर सतहत्तर करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसका जो क्रोस था वो काफ़ी बढ़िया रहा जहाँ पे बानवे करोड़ बत्तीस लाख का क्रोस कलेक्शन इंडिया से रहा और से पच्चीस करोड़ और अब पैंतालीस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया और और से और इंडिया का मिला के करीबन वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने एक सौ सत्रह करोड़ 77 लाख का नेट कलेक्शन ग्रोथ कलेक्शन करके दिखाया साठ करोड़ के बजट के सामने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई

टेलेट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो इस फिल्म के ओ टी थे वो एमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे जहां पे उन्होंने पेपर व्यू के नाम के साथ फिल्म को पहले ओटी पे प्रीमियर करवाया था उसके बाद ऑफिशियली प्रॉपर वे में प्रीमियर करवा दिया था सैटेलाइट राइट थे वो जी नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओटी टी पे प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो सत्य प्रेम की कथा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सत्य प्रेम की कथा फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो Video प्राइम प्लेटफॉर्म के ऊपर से, जी सिनेमा, जी सिनेमा, तो से आप सत्य प्रेम की कथा फिल्म को ऑफिशियलीटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर सकते हो सत्य प्रेम की कथा जो दो हजार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन और की आडवाणी

तो एक अपने आप में बड़ी बात है एक एज ए डायरेक्टर के तौर पे एज ए राइटर के तौर पे भी उन्होंने कुछ फिल्मों को लिखा हुआ है जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के ऊपर उनकी डेब्यू फिल्म के ऊपर यानी कि सत्य प्रेम की कथा के ऊपर तो इसकी कहानी करण श्रीकांत शर्मा ने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले समीर विध्वंस का था वहीं पे साजिद नडियादवाला सर मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा ने इस फिल्म को करीबन साठ करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था नडियादवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट नमहा पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वहीं पर पे पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज मिली थी सेंसर बोर्ड की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला था जहाँ पे 144 मिनट के रन टाइम के साथ यानी कि दो घंटे 24 मिनट के रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन थे और कियारा आडवाणी थे तो ये जोड़ी है वो जो फिल्म आई थी बुलबुलर टू उसके बाद सेकंड बार फीचर हुई है जहाँ पे सिनेमेटोग्राफी वो वो का बोस ने की हुई थी एडिटिंग है वो चारू श्रीरो ने की हुई थी जिसने इस फिल्म को दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में हितेश सोनिक ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ था अमित प्रोस अनजान भट्टाचार्य तनिष बागची मनन भारद्वाज पायल देव रोचक कोहली और अली सेठी ने इसका जो गाना है वो कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल करीबन सभी वर्जन मिला ले तो आठ गाने थे टी सीरीज के पास म्यूजिक के राइट्स थे जिन्होंने अच्छी प्राइज में राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सत्य प्रेम यानी कि सत्तु का रोल का कार्तिक आर्यन प्ले करते हुए नजर आएंगे जो लीड किरदार था उनके अपोजिट जो कथा का कापड़िया का रोल था वो के आर आडवाणी ने प्ले किया हुआ जो लीड एक्ट्रेस का रोल था गजराज राव जो सत्तू के फादर का रोल प्ले करते हुए नजर आते यानी कि नारायण का रोल सुप्रिया पाठक ने सत्तू की माँ का रोल यानी कि दिवाली का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धार्थ रंदेर ने हरी किशन कापड़िया का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा के फादर है वहीं पे कथा की जो माँ का रोल था रसना कापड़िया उसका रोल प्ले किया हुआ है अनुराधा पटेल ने राजपाल यादव इस फिल्म में डुडिया के रोल में दिखाई दे थे इसके अलावा शिखा तलसानिया को सेजल का रोल दिया हुआ था जो सत्तू की बहन का रोल था तपन मानक के रोल में अर्जुन अनिजा देखने को मिलते हैं मायरा दोसी ने इसमें किंजल का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा की सिस्टर का रोल है क्रिसमस मासी के रोल में निर्मित सावंत देखने को मिलेंगे इसके अलावा भौमिक आहिर ने चंद्रेश का रोल प्ले किया हुआ है पलस तिवारी ने धीरज का रोल प्ले किया हुआ है जो किंजल के हस्बैंड का रोल था फिल्म के प्रोमिनेंट लीड कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन में बातचीत करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है एक मोशन पोस्टर के थ्रू की गई थी जहां पे साजिद नडियादवाला के द्वारा 23 जून 2021 को यह अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि समीर विद्वान इस फिल्म के साथ हिंदी में अपना डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे और लीड रोल में कान होने वाले फिल्म को टाइटल दिया गया था सत्यनारायण की कथा लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी इस टाइटल के साथ जिसके चलते बाद में टाइटल को रीनेम किया गया सत्य प्रेम की कथा के साथ जहाँ पे सत्यप्रेम लीड रोल का नाम था और कथा लीड एक्ट्रेस का नाम था जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में कार्तिक आर्यन को लीड रोल के लिए लिया गया था और उनका साजिद नडियादवाला के साथ पहला कोलोब्रेशन था और उनके अपोजिट सारवरी वाघ अनन्या पांडे जैसी एक्टरों को अप्रोच की करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसके बाद में जो कास्टिंग थी वो कियाडावानी के साथ सेट हुई जिन्होंने इससे पहले पुलपलिया टू में काम किया था वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो इस फिल्म की बातचीत पुलपलिया टू से पहले चल रही थी उसके बाद में जब फिल्म सक्सेस हुई तब किया को अप्रोच किया गया सेम पेर को रिपीट करने के लिए जहाँ पे कंफर्मेशन जुलाई दो में आई उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को कई लोकेशन में शूट किया था जैसे कि मुंबई काश्मीर अहमदाबाद वडोदरा श्रीनगर गुलमार्ग जैसे अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे तीन सितंबर 2022 को मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था मुंबई में पहला शेड्यूल था वो 6 अक्टूबर को कंप्लीट किया था उसके बाद में नवंबर 2022 में इस पूरे प्रोडक्शन को अहमदाबाद गुजरात ले जाया गया और वहाँ पर शूटिंग की गई थी मुंबई अहमदाबाद के बाद वडोदरा में कुछ सिकमन शूट किए हुए थे उसके बाद में काश्मीर में इकतीस मार्च दो को फाइनल शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था श्रीनगर गुलमार्ग में भी इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में कुछ पेच वर्क था वो अप्रैल महीने में मुंबई में किया हुआ था और उस पेचवर्क को कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को रेपअप करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से दो में रेपअप किया हुआ था उसके बाद अब ट्रेक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के टी सीरीज़ वालों के पास थे एक जुलाई दो हजार तेईस को टी सीरीज ने इन सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज किया था फिल्म का जो पहला गाना था नसीब से उसको सत्ताईस मई दो को उन्होंने अवेलेबल किया था उसको लिखा हुआ था एम तुराज ने म्यूजिक दिया था पायल देव ने और पायल देव विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था आज के बाद जो गाना था जो मनन भारद्वाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भाजवाज का ही था तुलसी कुमार और मनन भारद्वाज ने उसको गाया था उस गाने को 10 जून 2023 को रिलीज किया था गुज्जू पटाखा जिसने एक बस क्रिएट किया था उस गाने को 16 जून 2023 को टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया गया था जिसको कुमार ने लिखा हुआ था मित ब्रोज अंजान ने म्यूजिक दिया हुआ था मित ब्रोज स्टार बॉय एलोसी ने उसको गाया हुआ था सुन सजनी जो गाना था उसको लेटर ऑन इक्कीस जून दो को टी सीरीज के द्वारा फोर सिंगल के तौर पर रिलीज करवाया

राजा कोहली और अली सेती ने दिया हुआ था अरिजीत सिंह तुलसी कुमार के पास वो गाना गवाया गया था उसके बाद में ले आऊँगा जो गाना था उसको टी सीरीज के द्वारा एक जुलाई 2023 को रिलीज़ करवाया गया ये करीबन छठा सिंगल था जिसको तनिष बाकी और वायु श्रीवास्तव ने गाया हुआ था म्यूज़िक तनिष बाकी और अरिजीत सिंह ने दिया हुआ था सॉरी गीत म्यूज़िक था वो तनिष बाकी ने दिया था सिंगर अरिजीत सिंह थे रात बाकी गाने के लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे मित ब्रोस ने म्यूजिक दिया था सिंगर मोनाली ठाकुर पीयूष मेरोलिया और, पी और मित ब्रोस थे और उस गाने को एक जुलाई 2023 को सॉरी उस गाने को एक जुलाई 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था सेवन सिंगल के तौर पे उसके बाद में आज के बाद जो गाना था तो उसका रिप्राइज वर्जन था उसको भी एक जुलाई दो को टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था जिसको मनन भादवाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भादवाज का ही था सिंगर मनन भादवाज और हिमानी कपूर थे तो ये टोटल आठ गाने थे फिल्म में रखे हुए जहाँ पे सभी गानों को तो प्रोड्यूस किया होता टी सीरीज़ ने यानी कि उन्होंने लेबल करवाया था जहाँ पे इस इकतीस मिनट सात सेकंड का साउंड रेखा एक जुलाई 2023 को उन्होंने सभी गानों का वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का टीज़र 18 मई 2023 को रिलीज़ किया था पुलबलेट टू हिट होने के बाद इस फिल्म का टीज़र के साथ किया आर और कार्तिक आर्यन का पेयर है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से एक आ, लक फैक्टर के तौर पे काम कर गया टीज़र को अच्छे व्यूज़ मिले एक पॉजिटिव रिस्पांस भी आया उसके बाद में ऑफिशियल ट्रेलर था उसको पाँच जून दो को रिलीज़ किया उसमें भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जब फिल्म को रिलीज़ किया तो एक अच्छी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन एक डिसेंट रिलीज़ मिली हुई थी जहाँ पे साठ करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट लेते हुए उनतीस जून दो को तेईस को का एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हुए हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी वी इस फिल्म ने करीबन पंद्रह हज़ार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से इस फिल्म को पहले दिन एक अच्छा कलेक्शन मिला जहाँ पे पिछली फिल्म यानी कि शहजादा जो कार्तिक आर्यन के फ्लॉप फिल्म रही थी उसके बाद इस फिल्म से उन्होंने एक अच्छा काम भी किया हुआ था ट्वेंटी नाइन्थ जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को जब फिल्म को गुरुवार के दिन रिलीज़ किया तब नौ करोड़ पच्चीस लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने छः करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन इस फिल्म ने ग्रोथ दिखाया दस करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था तो जहाँ पे इस फिल्म ने सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का पहले वीकेंड में कलेक्शन किया और उसके बाद में वीक डेज में इस फिल्म ने डिसेंट मैनर में, में परफॉर्म किया स्टेडी मैनर में जहाँ पे इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ नब्बे लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वेनेसडे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के दिन तीन करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने एक एक्सटेंडेड वीक लिया हुआ था जिससे इस फिल्म का एक अट्ठावन करोड़ और सॉरी इक्यावन करोड़ साहठ लाख का कलेक्शन निकल के आया इंडिया से दूसरे वीक में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था दूसरे वीक में करीबन सत्रह करोड़ का कलेक्शन निकल

कलेक्शन निकाला हुआ था जिसके चलते सेकंड वीक सत्रह करोड़ का रहा इस फिल्म का जहां पे इस फिल्म ने दो वीक में काफी कंफर्टेबल मैनर में अड़सठ करोड़ साठ लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में तीसरे वीकेंड में यानी कि तीसरे वीक में जो तीसरा वीकेंड था फ्राइडे के दिन तीसरे फ्राइडे में इस फिल्म में पंचानवे लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ बीस लाख का सत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन कलेक्शन और बड़ा दो करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन हुआ इस वजह से इस फिल्म ने तीसरा वीकेंड है वो भी चार करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन के साथ कंप्लीट किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन सत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन साठ लाख का वेन्स्डे के दिन पचपन लाख का थर्सडे के दिन पचास लाख का तो टोटल बाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से चौहत्तर करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे तीसरा वीक था वो फिल्म का करीबन छः करोड़ पच्चीस लाख का रहा चौथा वीक था वो करीबन दो करोड़ पच्चीस लाख का रहा पाँचवें वीक में इस फिल्म ने पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया और छठे वीक में इस फिल्म ने दस लाख का नेट कलेक्शन किया इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से करीबन छः वीक के अंदर सतहत्तर करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसका जो ग्रोथ था वो काफ़ी अः बढ़िया रहा जहाँ पे बानवे करोड़ बत्तीस लाख का ग्रोस कलेक्शन इंडिया से रहा और पच्चीस करोड़ और पैंतालीस लाख का इस फिल्म में कलेक्शन किया और, और सीस ओ और इंडिया का मिला के करीबन वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने एक सौ सत्रह करोड़ 77 लाख का नेट कलेक्शन ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया साठ करोड़ के बजट के सामने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओटी और, और सेटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था वहां पे भी इस फिल्म ने एक अच्छी व्यवरशिप हासिल की हुई थी इस फिल्म के ओ राइट्स थे वो अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने पेपर व्यू के नाम के साथ फिल्म को पहले ओ पे प्रीमियर करवाया था उसके बाद ऑफिशियली प्रॉपर वे में प्रीमियर करवा दिया था सैटेलाइट राइट थे वो जी नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो सत्य प्रेम की कथा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सत्य प्रेम की कथा फिल्म को अगर आपको

देखने को मिलेंगे इस फिल्म को डायरेक्ट किया है समीर विध्वंस ने समीर विद्वंस इससे पहले भी कई फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके कुछ मराठी फिल्में थी और ये पहली हिंदी फिल्में थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका डेब्यू था इससे पहले उन्होंने करीबन 10 सालों तक मराठी फिल्मों में काम किया हुआ है जहां पे आनंदी गोपाल करके जो दो में उन्होंने फिल्म बनाई थी वो एक सोशल इश्यू के ऊपर बनी फिल्म थी उसके ऊपर उन्होंने को नेशनल उन अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट फिल्म का तो एक अपने आप में बड़ी बात है एज ए डायरेक्टर के तौर पे एज ए राइटर के तौर पे भी उन्होंने कुछ फिल्मों को लिखा हुआ है जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के ऊपर उनकी डेब्यू फिल्म के ऊपर यानी कि सत्यप्रेम की कथा के ऊपर तो इसकी कहानी करण श्रीकांत शर्मा ने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले डायरेक्टर समीर विध्वंस का था वहीं पे साजिद नडियादवाला सर मंत्री केडिया और किशोर अरोरा ने इस फिल्म को करीबन साठ करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था नडियादवाला ग्रैंड सन नमहा पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वहीं पर पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज मिली थी सेंसर बोर्ड की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला था जहाँ पे 144 मिनट के रन टाइम के साथ यानी कि दो घंटे 24 मिनट के रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन थे और कियारा आडवाणी थे तो ये जोड़ी है वो जो फिल्म आई थी बुलबुल एट उसके बाद सेकंड बार फीचर हुई है जहाँ पे सिनेमेटोग्राफी वो वो का बोस ने की हुई थी एडिटिंग ये वो चारू श्री रोई की हुई थी जिसने इस फिल्म को दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में हितेश सोनिक ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ था अमित प्रोस अनजान भट्टाचार्य तनिस बागची मनन भारद्वाज पायल देव रोचक कोहली और अली सेठी ने इसका जो गाना है वो कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल करीबन सभी वर्जन मिला ले तो आठ गाने थे टी सीरीज के पास म्यूजिक के राइट्स थे जिन्होंने अच्छी प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सत्यप्रेम यानी कि सत्तू का रोल का कार्तिक आर्यन प्ले करते हुए नजर आएंगे जो लीड किरदार था उनके अपोजिट जो कथा कापड़िया का रोल था वो कियारा राडवानी ने प्ले किया हुआ जो लीड एक्ट्रेस का रोल था गजराज राव जो सत्तू के फादर का रोल प्ले करते हुए नजर आते यानी कि नारायण का रोल सुप्रिया पाठक ने सत्तू की माँ का रोल यानी कि दिवाली का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धार्थ रांधेरिया ने हरी सन कापड़िया का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा के फादर है वहीं पे कथा की जो माँ का रोल था रसना कापड़िया उसका रोल प्ले किया हुआ है अनुराधा पटेल ने राजपाल यादव इस फिल्म में डुडिया के रोल में दिखाई दे थे इसके अलावा शिखा तलसानिया को सेजल का रोल दिया हुआ था जो सत्तू की बहन का रोल था तपन मानक के रोल में अर्जुन अनिजा देखने को मिलते हैं मायरा दोसी ने इसमें किंजल का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा की सिस्टर का रोल है क्रिसमस मासी के रोल में निर्मित सावंत देखने को मिलेंगे इसके अलावा भौमिक आहिर ने चंद्रेश का रोल प्ले किया हुआ है पलाश तिवारी ने धीरज का रोल प्ले किया हुआ है जो किंजल के हस्बैंड का रोल था थे, फिल्म के प्रोमिनेंट लीड कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन में बातचीत करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है एक मोशन पोस्टर के थ्रू की गई थी जहां पे साजिद नडियादवाला के द्वारा 23 जून 2021 को यह अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि समीर विद्वंस इस फिल्म के साथ हिंदी में अपना डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे और लीड रोल मिस काारायन होने वाले फिल्म को टाइटल दिया गया था सत्यनारायण की कथा लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी इस टाइटल के साथ जिसके चलते बाद में टाइटल को रीनेम किया गया सत्य प्रेम की कथा के साथ जहाँ पे सत्यप्रेम लीड के रोल का नाम था और कथा लीड एक्ट्रेस का नाम था जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में कार्तिक आर्यन को लीड रोल के लिए लिया गया था और उनका साजिद नडिय के साथ पहला कोलोब्रेशन था और उनके अपोजिट सारवरी वाघ अनन्या पांडे जैसी एक्टरों को अप्रोच की करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसके बाद में जो कास्टिंग थी वो क्याराडवानी के साथ सेट हुई जिन्होंने इससे पहले पुलपलिया पुल टू में काम किया था वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो इस फिल्म की बातचीत पुलपलिया टू से पहले चल रही थी उसके बाद में जब फिल्म सक्सेस हुई तब किआ को अप्रोच किया गया सेम पेयर को रिपीट करने के लिए जहां पे कंफर्मेशन जुलाई दो में आई उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को कई लोकेशन में शूट किया था जैसे कि मुंबई काश्मीर अहमदाबाद वडोदरा श्रीनगर गुलमार्ग जैसे अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे तीन सितंबर 2022 को मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था मुंबई में पहला शेड्यूल था वो 6 अक्टूबर को कंप्लीट किया था उसके बाद में नवंबर 2022 में इस पूरे प्रोडक्शन को अहमदाबाद गुजरात ले जाया गया और वहाँ पर शूटिंग की गई थी मुंबई अहमदाबाद के बाद वडोदरा में कुछ सिकमन शूट किए हुए थे उसके बाद में काश्मीर में इकतीस मार्च दो को फाइनल शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था श्रीनगर गुलमार्ग में भी इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में कुछ पेचवर्क था वो अप्रैल महीने में मुंबई में किया हुआ था और उस पेचवर्क को कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को रेपअप करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से दो में रेप अप किया हुआ था उसके बाद में ऊपर बातचीत करें तो टू फिल्म के भी, भी कार्तिक का दो जुलाई तेईस को टी सीरीज ने इन सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज किया था फिल्म का जो पहला गाना था नसीब से उसको सत्ताईस मई दो को उन्होंने अवेलेबल किया था उसको लिखा हुआ था एम तुराज ने म्यूजिक दिया था पायल देव ने और पायल देव विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था आज के बाद गाना था जो मनन भारद्वाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भाजवाज का ही था तुलसी कुमार और मनन भाजवाज ने उसको गाया था उस गाने को 10 जून 2023 को रिलीज किया था गुज्जू पटाखा जिसने एक बस क्रिएट किया था उस गाने को 16 जून 2023 को टी सीरीज के द्वारा कर रिलीज करवाया गया था जिसको कुमार ने लिखा हुआ था मित ब्रोज अंजान ने म्यूजिक दिया हुआ था मित ब्रोज स्टार बॉय एलोसी ने उसको गाया हुआ था सुन सजनी जो गाना था उसको लेटर ऑन इक्कीस जून दो को टी सीरीज के द्वारा फोर सिंगल के तौर पर रिलीज करवाया गया था जिसको कुमार ने लिखा हुआ था मिंद ने म्यूजिक दिया हुआ था, किया 2022 में पाकिस्तानी पसुरी था जिसको अली ने गाया होता से गिल के साथ अली के द्वारा कंपोज किया गया था फजल अब्बास के द्वारा और अली के द्वारा लिरिक्स लिखे गए थे और इस गाने का बाद में रिक्रिएटेड वर्जन था जिसके लिरिक्स ने लिखा हुआ था म्यूजिक वो कोहली और अली ने दिया हुआ था अरिजीत सिंह तुलसी कुमार के पास वो गाना गवाया गया था उसके बाद में ले आऊंगा जो गाना था उसको टी सीरीज के द्वारा एक जुलाई दो को रिलीज करवाया गया ये करीबन छठा सिंगल था जिसको तनिष बागची और वायु श्रीवास्तव ने गाया हुआ था म्यूजिक तनिष बागची और अरिजीत सिंह ने दिया हुआ था गीत म्यूजिक था वो तनिष बागची ने दिया था सिंगर अरिजीत सिंह थे रात बाकी गाने के लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे मित ब्रोस ने म्यूजिक दिया था सिंगर मोनाली ठाकुर पीयूष मेरोलिया और पी मित मेरो ब्रोस थे और उस गाने को एक जुलाई 2023 को सॉरी उस गाने को एक जुलाई 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था सेवन सिंगल के तौर पे उसके बाद में आज के बाद जो गाना था तो उसका रिप्राइज वर्जन था उसको भी एक जुलाई दो हज़ार तेईस को टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था जिसको मनन भादवाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भादवाज का ही था सिंगर मनन भादवाज और हिमानी कपूर थे तो ये टोटल आठ गाने थे फिल्म में रखे हुए जहाँ पे सभी गानों को तो प्रोड्यूस किया हुआ था टी सीरीज ने यानी कि उन्होंने लेबल करवाया था जहाँ पे इकतीस मिनट सात सेकंड का साउंड रेखा एक जुलाई 2023 को उन्होंने सभी गानों का वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का टीज़र 18 मई 2023 को रिलीज़ किया था पुलबुलटू हिट होने के बाद इस फिल्म का टीज़र के साथ किया आर आडवानी और आर्यन का पेड़ है वो काफी बढ़िया तरीके से एक लक फैक्टर के तौर पे काम कर गया टीज़र को अच्छे व्यूज मिले एक पॉजिटिव रिस्पांस भी आया उसके बाद में ऑफिशियल ट्रेलर था उसको पाँच जून दो को रिलीज़ किया उसमें भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जब फिल्म को रिलीज़ किया तो एक अच्छी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन एक डिसेंट रिलीज़ मिली हुई थी जहां पे 60 करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए 29 जून 2023 को तेईस को का एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हुए हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम इस फिल्म ने करीबन पंद्रह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से इस फिल्म को पहले दिन एक अच्छा कलेक्शन मिला जहाँ पे पिछली फिल्म यानी कि शहजादा जो कातिकार्यन के फ्लॉप फिल्म रही थी उसके इस फिल्म से उन्होंने एक अच्छा कमबैक किया होता 29 जून 2023 को जब फिल्म को गुरुवार के दिन रिलीज किया तब 9 करोड़ 25 लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने 6 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन इस फिल्म ने ग्रोथ दिखाया 10 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने करीबन 11 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था तो जहाँ पे इस फिल्म ने सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का पहले वीकेंड में कलेक्शन किया और उसके बाद में डेज में इस फिल्म ने डिसेंट मैनर में, में परफॉर्म किया स्टेडी मैनर में जहां पे इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ नब्बे लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वेनेसडे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के दिन तीन करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने एक एक्सटेंडेड वीक लिया हुआ था जिससे इस फिल्म का एक अट्ठावन करोड़ सॉरी इक्यावन करोड़ साहठ लाख का कलेक्शन निकल के आया इंडिया से दूसरे वीक में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था दूसरे वीक में करीबन सत्रह करोड़ का कलेक्शन

कलेक्शन निकाला हुआ था जिसके चलते सेकंड वीक सत्रह करोड़ का रहा इस फिल्म का जहां इस फिल्म ने दो वीक में काफी कंफर्टेबल मैनर में अड़सठ करोड़ साठ लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में तीसरे वीकेंड में यानी कि तीसरे वीक में जो तीसरा वीकेंड था फ्राइडे के दिन तीसरे फ्राइडे में इस फिल्म में पंचानवे लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ बीस लाख का सत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन कलेक्शन और बढ़ा दो करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन हुआ इस वजह से इस फिल्म ने तीसरा वीकेंड है वो भी चार करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन के साथ कंप्लीट किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन साठ लाख का वेन्स्डे के दिन पचपन लाख का थर्सडे के दिन पचास लाख का तो टोटल बाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से चौहत्तर करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन करके दिखाया जहां जहाँ पे तीसरा वीक था वो फिल्म का करीबन छः करोड़ पच्चीस लाख का रहा चौथा वीक था वो करीबन दो करोड़ पच्चीस लाख का रहा पांचवें वीक में इस फिल्म ने पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया और छठे वीक में इस फिल्म ने दस लाख का नेट कलेक्शन किया इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से करीबन छः वीक के अंदर सतहत्तर करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसका जो ग्रोथ था वो काफी आ, बढ़िया रहा जहाँ पे बानवे करोड़ बत्तीस लाख का ग्रोस कलेक्शन इंडिया से रहा और सी से पच्चीस करोड़ और अब पैंतालीस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया और और ओवरसिज और इंडिया का मिला के करीबन वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने एक सौ सत्रह करोड़ सतहत्तर लाख का नेट कलेक्शन ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया साठ करोड़ के बजट के सामने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओटीटी टी और, और सेटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था वहां पे भी इस फिल्म ने एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई थी इस फिल्म के ओ टी टी थे वो एमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे जहां पे उन्होंने पेपर व्यू के नाम के साथ फिल्म को पहले ओटी पे प्रीमियर करवाया था उसके बाद ऑफिशियली प्रॉपर वे में प्रीमियर करवा दिया था सैटेलाइट राइट थे वो जी नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओटी टी पे प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो सत्य प्रेम की कथा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सत्य प्रेम की कथा फिल्म को अगर आपको

तो एक अपने आप में बड़ी बात है एज ए डायरेक्टर के तौर पे एज ए राइटर के तौर पे भी उन्होंने कुछ फिल्मों को लिखा हुआ है जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के ऊपर उनकी डेब्यू फिल्म के ऊपर यानी कि सत्यप्रेम की कथा के ऊपर तो इसकी कहानी करण श्रीकांत शर्मा ने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले डायरेक्टर समीर विद्वंस का था वहीं पे साजिद नडियादवाला सर मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा ने इस फिल्म को करीबन साठ करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था नडियादवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट नमहा पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वहीं पर पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज मिली थी सेंसर बोर्ड की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला था जहाँ पे 144 मिनट के रन टाइम के साथ यानी कि दो घंटे 24 मिनट के रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन थे और कियारा आरा थे तो ये जोड़ी है वो जो फिल्म आई थी बुलबुल टू उसके बाद सेकंड बार फीचर हुई है जहाँ पे सिनेमेटोग्राफी वो वो का बोस ने की हुई थी एडिटिंग है वो चारू श्री रोई ने की हुई थी जिसने इस फिल्म को दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में हितेश सोनिक ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ था अमित प्रोस अनजान भट्टाचार्य तनिष बागची मनन भारद्वाज पायल देव रोचक कोहली और अली सेठी ने इसका जो गाना है वो कंपोज क्या था फिल्म में टोटल करीबन सभी वजन मिला ले तो आठ गाने थे टी सीरीज के पास म्यूजिक के राइट्स थे जिन्होंने अच्छी प्राइस में राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सत्य प्रेम यानी कि सत्तू का रोल का कार्तिक आर्यन प्ले करते हुए नजर आएंगे जो लीड किरदार था उनके अपोजिट जो कथा का कापड़िया का रोल था वो के आर आडवाणी ने प्ले किया हुआ है जो लीड एक्ट्रेस का रोल था गजराज राव जो सत्तू के फादर का रोल प्ले करते हुए नजर आते यानी कि नारायण का रोल सुप्रिया पाठक ने सत्तू की माँ का रोल यानी कि दिवाली का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धार्थ रांधेर ने हरी किशन कापड़िया का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा के फादर है वहीं पे कथा की जो माँ का रोल था रसना कापड़िया उसका रोल प्ले किया हुआ है अनुराधा पटेल ने राजपाल यादव इस फिल्म में डुडिया के रोल में दिखाई दे थे इसके अलावा शिखा तलसानिया को सेजल का रोल दिया हुआ था जो सत्तू की बहन का रोल था तपन मानिक के रोल में अर्जुन अनेजा देखने को मिलते हैं मायरा दोषी ने इसमें किंजल का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा की सिस्टर का रोल है क्रिसमस मासी के रोल में निर्मित सावंत देखने को मिलेंगे इसके अलावा भौमिक आहिर ने चंद्रेश का रोल प्ले किया हुआ है पलाश तिवारी ने धीरज का रोल प्ले किया हुआ है जो किंजल के हस्बैंड का रोल था फिल्म के प्रोमिनेंट लीड कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन में बातचीत करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक मोशन पोस्टर के थ्रू की गई थी जहां पे साजिद नडियादवाला के द्वारा 23 जून 2021 को यह अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि समीर विद्वंस इस फिल्म के साथ हिंदी में अपना डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे और लीड रोल में का कातिकार्यन होने वाले फिल्म को टाइटल दिया गया था सत्यनारायण की कथा लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी इस टाइटल के साथ जिसके चलते बाद में टाइटल को रीनेम किया गया सत्य प्रेम की कथा के साथ जहाँ पे सत्यप्रेम लीड रोल का नाम था और कथा लीड एक्ट्रेस का नाम था जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में कार्तिक आर्यन को लीड रोल के लिए लिया गया था और उनका साजिद नडियादवाला के साथ पहला कोलोब्रेशन था और उनके अपोजिट सारवरी वाघ अनन्या पांडे जैसी एक्टर को अप्रोच की करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसके बाद में जो कास्टिंग थी वो कियाडावानी के साथ सेट हुई जिन्होंने इससे पहले पुलपलिया टू में काम किया था वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो इस फिल्म की बातचीत पुलपलिया टू से पहले चल रही थी उसके बाद में जब फिल्म सक्सेस हुई तब क्या को अप्रोच किया गया सेम पेयर को रिपीट करने के लिए जहाँ पे कंफर्मेशन जुलाई दो में आई उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को कई लोकेशन में शूट किया था जैसे कि मुंबई काश्मीर अहमदाबाद वडोदरा श्रीनगर गुलमार्ग जैसे अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे तीन सितंबर 2022 को मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था मुंबई में पहला शेड्यूल था वो 6 अक्टूबर को कंप्लीट किया था उसके बाद में नवंबर 2022 में इस पूरे प्रोडक्शन को अहमदाबाद गुजरात ले जाया गया और वहाँ पर शूटिंग की गई थी मुंबई अहमदाबाद के बाद वडोदरा में कुछ सिकवन शूट किए हुए थे उसके बाद में काश्मीर में इकतीस मार्च दो को फाइनल शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था श्रीनगर गुलमार्ग में भी इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में कुछ पेचवर्क था वो अप्रैल महीने में मुंबई में किया हुआ था और उस पेचवर्क को कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को रेपअप करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से दो में रेपअप किया हुआ था उसके बाद में अब साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट टी सीरीज वालों के पास थे जिन्होंने काफी भारी रकम देते थे म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे इससे पहले बुलबुल एक एक टू फिल्म के भी राइट्स उन्होंने ही खरीदे हुए थे उस फिल्म में भी कार्तिक का आर्यन लीड रोल में थे जहाँ पे एक जुलाई दो को टी सीरीज ने इन सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज किया था फिल्म का जो पहला गाना था नसीब से उसको सत्ताईस मई दो को उन्होंने अवेलेबल किया था उसको लिखा हुआ था एम तुराज ने म्यूजिक दिया था पायल देव ने और पायल देव विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था आज के बाद जो गाना था जो मनन भाजवाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भाजवाज का ही था तुलसी कुमार और मनन भारद्वाज ने उसको गाया था उस गाने को 10 जून 2023 को रिलीज किया था गुज्जू पटाखा जिसने एक बर्स क्रिएट किया था उस गाने को 16 जून 2023 को टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया गया था जिसको कुमार ने लिखा हुआ था मित ब्रोज अनजान ने म्यूजिक दिया हुआ था मित ब्रोज टे, स्टार बॉय एलोसी ने उसको गाया हुआ था सुन सजनी जो गाना था उसको लेटर ऑन इक्कीस जून दो को टी सीरीज के द्वारा फोर सिंगल के तौर पर रिलीज करवाया

कोहली और अली से तीन दिया हुआ था अरिजीत सिंह तुलसी कुमार के पास वो गाना गवाया गया था उसके बाद में ले आऊँगा जो गाना था उसको टी सीरीज के द्वारा एक जुलाई 2023 को रिलीज करवाया गया ये करीबन छठा सिंगल था जिसको तनिष्क बागची और वायु श्रीवास्तव ने गाया हुआ था म्यूजिक तनिष्क बागची और अरिजीत सिंह ने दिया हुआ था सॉरी गीत म्यूजिक था वो तनिष्क बागची ने दिया था सिंगर अरिजीत सिंह थे रात बाकी गाने के लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे मित ब्रोस ने म्यूजिक दिया था सिंगर मोनाली ठाकुर पीयूष मेरोलिया और पी मित मेरो ब्रोस थे और उस गाने को एक जुलाई 2023 को सॉरी उस गाने को एक जुलाई 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था सेवन सिंगल के तौर पे उसके बाद में आज के बाद जो गाना था तो उसका रिप्राइज वर्जन था उसको भी एक जुलाई दो हजार तेईस को टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया गया था जिसको मनन भाद्वाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भारद्वाज का ही था सिंगर मनन भारद्वाज और हिमानी कपूर थे तो ये टोटल आठ गाने थे फिल्म में रखे हुए जहाँ पे सभी गानों को तो प्रोड्यूस किया, कि कि किया हुआ था टी सीरीज ने यानी कि उन्होंने लेबल करवाया था जहाँ पे इकतीस मिनट सात सेकंड का साउंड रेखा एक जुलाई 2023 को उन्होंने सभी गानों का वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का टीज़र 18 मई 2023 को रिलीज़ किया था बुलबुल ए बुल टू हिट होने के बाद इस फिल्म का टीज़र के साथ किया आरा आडवानी और कार्तिक आर्यन का पेयर है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से एक लक फैक्टर के तौर पे काम कर गया टीज़र को अच्छे व्यूज़ मिले एक पॉजिटिव रिस्पांस भी आया उसके बाद में ऑफिशियल ट्रेलर था उसको पाँच जून दो को रिलीज़ किया उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जब फिल्म को रिलीज़ किया तो एक अच्छी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन एक डिसेंट रिलीज़ मिली हुई थी जहाँ पे साठ करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट लेते हुए उनतीस जून दो को तेईस को का एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हुए हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी वी इस फिल्म ने करीबन पंद्रह हज़ार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से इस फिल्म को पहले दिन एक अच्छा कलेक्शन मिला जहाँ पे पिछली फिल्म यानी कि शहजादा जो कातिकारियन के फ्लॉप फिल्म रही थी उसके बाद इस फिल्म से उन्होंने एक अच्छा काम भी किया हुआ था ट्वेंटी नाइन्थ जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को जब फिल्म को गुरुवार के दिन रिलीज किया तब नौ करोड़ पच्चीस लाख का इस फिल्म ने, ने नेट कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने छः करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन इस फिल्म ने ग्रोथ दिखाया दस करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था तो जहाँ पे इस फिल्म ने सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का पहले वीकेंड में कलेक्शन किया और उसके बाद में वीक डेज में इस फिल्म ने डिसेंट मैनर में परफॉर्म किया स्टेडी मैनर में, में जहाँ पे इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ नब्बे लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वेनेसडे के, के दिन तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के दिन तीन करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने एक एक्सटेंडेड वीक लिया हुआ था, था जिससे इस फिल्म का एक अट्ठावन करोड़ तो सॉरी इक्यावन करोड़ साहठ लाख का कलेक्शन निकल के आया इंडिया से दूसरे वीक में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था दूसरे वीक में करीबन सत्रह करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था जहां पे इस फिल्म ने दूसरे वीक में फ्राइडे के दिन दो करोड़ पचास पच लाख का दिन करोड़ पच्चीस किया संडे के दिन चार करोड़ पचहत्तर लाख का, का नेट कलेक्शन किया तो था उसके बाद में इस फिल्म ने डेज के ऊपर चालीस लाख का मंडे के दिन कलेक्शन निकाला ट्यूजे के दिन एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन निकाला वेनेस्डे करोड़ का नेट कलेक्शन निकाला और थर्सडे के दिन एटी लाख का कलेक्शन निकाला हुआ था जिसके चलते सेकंड वीक सत्रह करोड़ का रहा इस फिल्म का जहां पे इस फिल्म ने दो वीक में काफी कंफर्टेबल मैनर में अड़सठ करोड़ साठ लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में तीसरे वीकेंड में यानी कि तीसरे वीक में जो तीसरा वीकेंड था फ्राइडे के दिन तीसरे फ्राइडे में इस फिल्म में पंचानवे लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ बीस लाख का सत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन कलेक्शन और बड़ा दो करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन हुआ इस वजह से इस फिल्म ने तीसरा वीकेंड है वो भी चार करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन के साथ कंप्लीट किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन सत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन साहठ लाख का वेन्स्डे के दिन पचपन लाख का थर्सडे के दिन पचास लाख का तो टोटल बाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से चौहत्तर करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे तीसरा वीक था वो फिल्म का करीबन छः करोड़ पच्चीस लाख का रहा चौथा वीक था वो करीबन दो करोड़ पच्चीस लाख का रहा पाँचवें वीक में इस फिल्म ने पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया और छठे वीक में इस फिल्म ने दस लाख का नेट कलेक्शन किया इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से करीबन छः वीक के अंदर सतहत्तर करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसका जो ग्रोथ था वो काफी आ, बढ़िया रहा जहाँ पे बानवे करोड़ बत्तीस लाख का क्रॉस कलेक्शन इंडिया से रहा और सी पच्चीस करोड़ और अब पैंतालीस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया और और सी सो ओवर इंडिया का मिला के करीबन वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने एक सौ सत्रह करोड़ सतहत्तर लाख का नेट कलेक्शन ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया साठ करोड़ के बजट के सामने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओ टी टी और, और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पर भी इस फिल्म ने एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई थी इस फिल्म के ओ राइट्स थे वो एमेजन प्राइम वालों ने खरीदे हुए थे जहां पे उन्होंने पेपर व्यू के नाम के साथ फिल्म को पहले ओटीटी पे प्रीमियर करवाया था उसके बाद ऑफिशियली प्रॉपर वे में प्रीमियर करवा दिया था सैटेलाइट राइट थे वो जी नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो सत्य प्रेम की कथा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा

सत्य प्रेम की कथा जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी देखने को मिलेंगे इस फिल्म को डायरेक्ट किया है समीर विध्वंस ने समीर विध्वंस इससे पहले भी कई फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं कुछ मराठी फिल्में थी और ये पहली हिंदी फिल्में थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका डेब्यू था इससे पहले उन्होंने करीबन 10 सालों तक मराठी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे आनंदी गोपाल करके जो दो में उन्होंने फिल्म बनाई थी वो एक सोशल इश्यू के ऊपर बनी फिल्म थी उसके ऊपर उन्होंने को नेशनल अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट फिल्म का तो एक अपने आप में बड़ी बात है एज ए डायरेक्टर के तौर पे एज ए राइटर के तौर पे भी उन्होंने कुछ फिल्मों को लिखा हुआ है जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के ऊपर उनकी डेब्यू फिल्म के ऊपर यानी कि सत्यप्रेम की कथा के ऊपर तो इसकी कहानी करण श्रीकांत शर्मा ने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले डायरेक्टर समीर विध्वंस का था वहीं पे साजिद नडियादवाला द्वाला सरीन, मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा ने इस फिल्म को करीबन साठ करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था नडियादवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट नमहा पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वहीं पर पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज मिली थी सेंसर बोर्ड की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला था जहाँ पे 144 मिनट के रन टाइम के साथ यानी कि दो घंटे 24 मिनट के रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन थे और कियारा आरा अडवानी थे तो ये जोड़ी है वो जो फिल्म आई थी बुलबुलिया टू उसके बाद सेकंड बार फीचर हुई है जहाँ पे सिनेमेटोग्राफी वो वो का बोस ने की हुई थी एडिटिंग है वो चारू श्री रोई ने की हुई थी जिसने इस फिल्म को दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में हितेश सोनिक ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ था अमित प्रोस अनजान भट्टाचार्य तनिष बागची मनन भारद्वाज पायल देव रोचक कोहली और अली सेठी ने इसका जो गाना है वो कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल करीबन सभी वर्जन मिला ले तो आठ गाने थे टी सीरीज के पास म्यूजिक

किशन कापड़िया का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा के फादर है वहीं पे कथा की जो माँ का रोल था रसना कापड़िया उसका रोल प्ले किया हुआ है अनुराधा पटेल ने राजपाल यादव इस फिल्म में डुडिया के रोल में दिखाई दे थे इसके अलावा शिखा तलसानिया को सेजल का रोल दिया हुआ था जो सत्तू की बहन का रोल था तपन मानक के रोल में अर्जुन अनिजा देखने को मिलते हैं मायरा दोसी ने इसमें किंजल का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा की सिस्टर का रोल है क्रिसमस मासी के रोल में निर्मित सावंत देखने को मिलेंगे इसके अलावा भौमिक आहिर ने चंद्रेश का रोल प्ले किया हुआ है पलाश तिवारी ने धीरज का रोल प्ले किया हुआ है जो किंजल के हस्बैंड का रोल था तो फिल्म के प्रोमिनेंट लीड कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन में बातचीत करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है एक मोशन पोस्टर के थ्रू की गई थी जहां पे साजिद नडियादवाला के द्वारा 23 जून 2021 को यह अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि समीर विद्वंस इस फिल्म के साथ हिंदी में अपना डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे और लीड रोल मिस का आर्यन होने वाले फिल्म को टाइटल दिया गया था सत्यनारायण की कथा लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी इस टाइटल के साथ जिसके चलते बाद में टाइटल को रीनेम किया गया सत्य प्रेम की कथा के साथ जहाँ पे सत्यप्रेम लीड के रोल का नाम था और कथा लीड एक्ट्रेस का नाम था जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में कार्तिक आर्यन को लीड रोल के लिए लिया गया था और उनका साजिद नडियादवाला के साथ पहला कोलोब्रेशन था और उनके अपोजिट सारवरी वाघ अनन्या पांडे जैसी एक्टरों को अप्रोच की करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसके बाद में जो कास्टिंग थी वो किराडवानी के साथ सेट हुई जिन्होंने इससे पहले पुलपलिया पुल टू में काम किया था वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो इस फिल्म की बातचीत पुलपलिया टू से पहले चल रही थी उसके बाद में जब फिल्म सक्सेस हुई तब क्या डवाणी को अप्रोच किया गया सेम पेयर को रिपीट करने के लिए जहां पे कंफर्मेशन जुलाई दो में आई उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को कई लोकेशन में शूट किया था जैसे कि मुंबई काश्मीर अहमदाबाद वडोदरा श्रीनगर गुलमार्ग जैसे अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे तीन सितंबर 2022 को मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था मुंबई में पहला शेड्यूल था वो 6 अक्टूबर को कंप्लीट किया था उसके बाद में नवंबर 2022 में इस पूरे प्रोडक्शन को अहमदाबाद गुजरात ले जाया गया और वहाँ पर शूटिंग की गई थी मुंबई अहमदाबाद के बाद वडोदरा में कुछ सिकमन शूट किए हुए थे उसके बाद में काश्मीर में इकतीस मार्च दो को फाइनल शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था श्रीनगर गुलमार्ग में भी इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में कुछ पेचवर्क था वो अप्रैल महीने में मुंबई में किया हुआ था और उस पेचवर्क को कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को रेपअप करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से दो में रेपअप किया हुआ था

गाना था जो मनन भाजवाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भाजवाज का ही था तुलसी कुमार और मनन भाजवाज ने उसको गाया था उस गाने को 10 जून 2023 को रिलीज किया था गुज्जू पटाखा जिसने एक बर्स क्रिएट किया था उस गाने को 16 जून 2023 को टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया गया था जिसको कुमार ने लिखा हुआ था अमित ब्रोज अंजान ने म्यूजिक दिया हुआ था अमित ब्रोज स्टार बॉय एलोसी ने उसको गाया हुआ था सुन सजनी जो गाना था उसको लेटर ऑन इक्कीस जून दो को टी सीरीज के द्वारा फोर सिंगल के तौर पर रिलीज करवाया

कोहली और अली ने दिया हुआ था अरिजीत सिंह तुलसी कुमार के पास वो गाना गवाया गया था उसके बाद में ले आऊंगा जो गाना था उसको टी सीरीज के द्वारा एक जुलाई दो को रिलीज करवाया गया ये करीबन छठा सिंगल था जिसको तनिष बागची और वायु श्रीवास्तव ने गाया हुआ था म्यूजिक बागची और अरिजीत सिंह ने दिया हुआ था सॉरी गीत म्यूजिक था वो तनिष बागची ने दिया था सिंगर अरिजीत सिंह थे रात बाकी गाने के लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे मित ब्रोस ने म्यूजिक दिया था सिंगर मोनाली ठाकुर पीयूष मेरोलिया और मित ब्रोस थे और उस गाने को एक जुलाई दो को सॉरी उस गाने को एक जुलाई दो को ऑफिशियली रिलीज करवाया आया गया था सेवन सिंगल के तौर पे उसके बाद में आज के बाद जो गाना तो उसका रिप्राइज वर्जन था उसको भी 1 जुलाई 2023 को टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया गया था जिसको मनन भादवाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भादवाज का ही था सिंगर मनन भादवाज और हिमानी कपूर थे तो ये टोटल आठ गाने थे फिल्म में रखे हुए जहां पे सभी गानों को तो प्रोड्यूस किया, कि कि किया हुआ था टी सीरीज ने यानी कि उन्होंने लेबल करवाया था जहाँ पे इकतीस मिनट सात सेकंड का साउंड रेखा एक जुलाई 2023 को उन्होंने सभी गानों का वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का टीज़र 18 मई 2023 को रिलीज़ किया था पुलबलेटू हिट होने के बाद इस फिल्म का टीज़र के साथ की आर आडवानी और कार्तिकार इनका पेड़ वो काफ़ी बढ़िया तरीके से एक लक फैक्टर के तौर पे काम कर गया टीज़र को अच्छे व्यूज़ मिले एक पॉजिटिव रिस्पांस भी आया उसके बाद में ऑफिशियल ट्रेलर था उसको पाँच जून दो को रिलीज़ किया उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जब फिल्म को रिलीज़ किया तो एक अच्छी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन एक डिसेंट रिलीज़ मिली हुई थी जहां पे साठ करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए 29 जून 2023 को तेईस को का एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हुए हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम पे इस फिल्म ने करीबन पंद्रह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से इस फिल्म को पहले दिन एक अच्छा कलेक्शन मिला जहाँ पे पिछली फिल्म यानी कि शहजादा जो कार्तिक आर्यन के फ्लॉप फिल्म रही थी उसके बाद इस फिल्म से उन्होंने एक अच्छा कम भी किया हुआ था ट्वेंटी नाइन जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को जब फिल्म को गुरुवार के दिन रिलीज किया तब नौ करोड़ पच्चीस लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने छः करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन इस फिल्म ने ग्रोथ दिखाया दस करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था तो जहाँ पे इस फिल्म ने सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का पहले वीकेंड में कलेक्शन किया और उसके बाद में विक डेज में इस फिल्म ने डिसेंट मैनर में परफॉर्म किया स्टेडी मैनर में जहां पे इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ नब्बे लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वेनेसडे के, के दिन तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के दिन तीन करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने एक एक्सटेंडेड वीक लिया हुआ था जिससे इस फिल्म का एक अट्ठावन करोड़ सॉरी इक्यावन करोड़ साहठ लाख का कलेक्शन निकल के आया इंडिया से दूसरे वीक में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था दूसरे वीक में करीबन सत्रह करोड़ का कलेक्शन निकल

कलेक्शन निकाला हुआ था जिसके चलते सेकंड वीक सत्रह करोड़ का रहा इस फिल्म का जहां पे इस फिल्म ने दो वीक में काफी कंफर्टेबल मैनर में अड़सठ करोड़ साठ लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में तीसरे वीकेंड में यानी कि तीसरे वीक में जो तीसरा वीकेंड था फ्राइडे के दिन तीसरे फ्राइडे में इस फिल्म में पंचानवे लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ बीस लाख का सत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन कलेक्शन और बड़ा दो करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन हुआ इस वजह से इस फिल्म ने तीसरा वीकेंड है वो भी चार करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन के साथ कंप्लीट किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन सत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन साठ लाख का वेनस्डे के दिन पचपन लाख का थर्सडे के दिन पचास लाख का तो टोटल बाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से चौहत्तर करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे तीसरा वीक था वो फिल्म का करीबन छः करोड़ पच्चीस लाख का रहा चौथा वीक था वो करीबन दो करोड़ पच्चीस लाख का रहा पाँचवें वीक वी में इस फिल्म ने पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया और छठे वीक में इस फिल्म ने दस लाख का नेट कलेक्शन किया इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से करीबन छः वीक के अंदर सतहत्तर करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसका जो ग्रोथ था वो काफ़ी आ, बढ़िया रहा जहाँ पे बानवे करोड़ बत्तीस लाख का ग्रोस कलेक्शन इंडिया से रहा ओवर से पच्चीस करोड़ और अब पैंतालीस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया और और से और इंडिया का मिला के करीबन वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने एक सौ सत्रह करोड़ 77 लाख का नेट कलेक्शन ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया साठ करोड़ के बजट के सामने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओटीटी और, और सेटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था वहां पे भी इस फिल्म ने एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई थी इस फिल्म के ओटीटी राइट्स थे वो अमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे जहां पे उन्होंने पेपर व्यू के नाम के साथ फिल्म को पहले ओटी पे प्रीमियर करवाया था उसके बाद ऑफिशियली प्रॉपर वे में प्रीमियर करवा दिया था सैटेलाइट राइट थे वो जी नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो सत्य प्रेम की कथा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सत्य प्रेम की कथा फिल्म को अगर आपको

तो एक अपने आप में बड़ी बात है एज ए डायरेक्टर के तौर पे एज ए राइटर के तौर पे भी उन्होंने कुछ फिल्मों को लिखा हुआ है जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के ऊपर उनकी डेब्यू फिल्म के ऊपर यानी कि सत्य प्रेम की कथा के ऊपर तो इसकी कहानी करण श्रीकांत शर्मा ने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले समीर विध्वंस का था वहीं पे साजिद नडियादवाला सरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोरा ने इस फिल्म को करीबन साठ करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था नडियादवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट नमहा पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वहीं पर पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज मिली थी सेंसर बोर्ड की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला था जहाँ पे 144 मिनट के रन टाइम के साथ यानी कि दो घंटे 24 मिनट के रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज किया हुआ था इस फिल्म की लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन थे और कियारा आडवाणी थे तो ये जोड़ी है वो जो फिल्म आई थी बुलबुलिया टू उसके बाद सेकंड बार, से बार फीचर हुई है जहाँ पे सिनेमेटोग्राफी वो वो का बोस ने की हुई थी एडिटिंग है वो चारू श्री रोई की हुई थी जिसने इस फिल्म को दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में हितेश सोनिक ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ था अमित प्रोस अनजान भट्टाचार्य तनिस बागची मनन भारद्वाज पायल देव रोचक कोहली और अली सेठी ने इसका जो गाना है वो कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल करीबन सभी वर्जन मिला ले तो आठ गाने थे टी सीरीज़ के पास म्यूजिक के राइट्स थे जिन्होंने अच्छी प्राइज़ में राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सत्य प्रेम यानी कि सत्तू का रोल कार्तिक आर्यन प्ले करते हुए नजर आएंगे जो लीड किरदार था उनके अपोजिट जो कथा कापड़िया का, का रोल था वो के आर आडवाणी ने प्ले किया हुआ जो लीड एक्ट्रेस का रोल था गजराज राव जो सत्तू के फादर का रोल प्ले करते हुए नजर आते यानी कि नारायण का रोल सुप्रिया पाठक ने सत्तू की माँ का रोल यानी कि दिवाली का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धार्थ रंदेर ने हरी किशन कापड़िया का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा के फादर है वहीं पे कथा की जो माँ का रोल था रसना कापड़िया उसका रोल प्ले किया हुआ है अनुराधा पटेल ने राजपाल यादव इस फिल्म में डुडिया के रोल में दिखाई दे थे इसके अलावा शिखा तलसानिया को सेजल का रोल दिया हुआ था जो सत्तू की बहन का रोल था तपन मानक के रोल में अर्जुन अनिजा देखने को मिलते हैं मायरा दोसी ने इसमें किंजल का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा की सिस्टर का रोल है क्रिसमस मासी के रोल में निर्मित सावंत देखने को मिलेंगे इसके अलावा भौमिक आहिर ने चंद्रेश का रोल प्ले किया हुआ है पलाश तिवारी ने धीरज का रोल प्ले किया हुआ है जो किंजल के हस्बैंड का रोल था फिल्म के प्रोमिनेंट लीड कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन में बातचीत करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं फिल्म की ऑफिशियल है एक मोशन पोस्टर के थ्रू की गई थी जहां पे साजिद नडियादवाला के द्वारा 23 जून 2021 को इक्कीस को अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि समीर विद्वंस इस फिल्म के साथ हिंदी में अपना डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे और लीड रोलमि का आर्यन होने वाले फिल्म को टाइटल दिया गया था सत्यनारायण की कथा लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इस टाइटल के साथ जिसके चलते बाद में टाइटल को रीनेम किया गया सत्य प्रेम की कथा के साथ जहाँ पे सत्यप्रेम लीड के रोल का नाम था और कथा लीड एक्ट्रेस का नाम था जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में कार्तिक आर्यन को लीड रोल के लिए लिया गया था और उनका साजिद नडिय के साथ पहला कोलोब्रेशन था और उनके अपोजिट सारवरी वाघ अनन्या पांडे जैसी एक्टर को अप्रोच की करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसके बाद में जो कास्टिंग थी वो कियाडावानी के साथ सेट हुई जिन्होंने इससे पहले पुलप्लेट टू में काम किया था वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो इस फिल्म की बातचीत पुलपलिया टू से पहले चल रही थी उसके बाद में जब फिल्म सक्सेस हुई तब किआ को अप्रोच किया गया सेम पेयर को रिपीट करने के लिए जहाँ पे कंफर्मेशन जुलाई दो में आई उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को कई लोकेशंस में शूट किया था जैसे कि मुंबई काश्मीर अहमदाबाद वडोदरा श्रीनगर गुलमार्ग जैसे अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे तीन सितंबर 2022 को मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था मुंबई में पहला शेड्यूल था वो 6 अक्टूबर को कंप्लीट किया था उसके बाद में नवंबर 2022 में इस पूरे प्रोडक्शन को अहमदाबाद गुजरात ले जाया गया और वहाँ पर शूटिंग की गई थी मुंबई अहमदाबाद के बाद वडोदरा में कुछ सिकवन शूट किए हुए थे उसके बाद में काश्मीर में इकतीस मार्च दो को फाइनल शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था श्रीनगर गुलमार्ग में भी इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में कुछ पेजवर्क था वो अप्रैल महीने में मुंबई में किया हुआ था और उस पेचवर्क को कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को रेपअप करवाया हुआ था जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से दो में रेपअप किया हुआ था उसके बाद में अब साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट टी सीरीज वालों के पास थे जिन्होंने काफी भारी रकम देते थे म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे इससे पहले बुलबले एक एक टू फिल्म के भी राइट्स उन्होंने ही खरीदे हुए थे उस फिल्म में भी कार्तिक का आर्यन लीड रोल में थे जहाँ पे एक जुलाई दो को टी सीरीज ने इन सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज किया था फिल्म का जो पहला गाना था नसीब से उसको सत्ताईस मई दो को उन्होंने अवेलेबल किया था उसको लिखा हुआ था एम तुराज ने म्यूजिक दिया था पायल देव ने और पायल देव विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था आज के बाद चुकाना था जो मनन भाजवाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भाजवाज का ही था तुलसी कुमार और मनन भारद्वाज ने उसको गाया था उस गाने को 10 जून 2023 को रिलीज किया था गुज्जू पटाखा जिसने एक बर्स क्रिएट किया था उस गाने को 16 जून 2023 को टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया गया था जिसको कुमार ने लिखा हुआ था मित ब्रोज अंजान ने म्यूजिक दिया हुआ था मित ब्रोज स्टार बॉय एलोसी ने उसको गाया हुआ था सुन सजनी जो गाना था उसको लेटर ऑन इक्कीस जून दो को टी सीरीज के द्वारा फोर सिंगल के तौर पर रिलीज करवाया गया था जिसको कुमार ने लिखा हुआ था ब्रोस ने म्यूजिक दिया हुआ था, किया 2022 में पाकिस्तानी पसुरी था जिसको अली ने गाया होता से गिल के साथ था, अली के द्वारा कंपोज किया गया था फजल अब्बास के द्वारा और अली के द्वारा लिरिक्स लिखे गए थे और इस गाने का बाद में रिक्रिएटेड वर्जन था जिसके रिरिक्स गुरप्रीत साइन और अली से लिखा हुआ था म्यूजिक वो रोचन के कोहली और अली सेती ने दिया हुआ था अरिजीत सिंह तुलसी कुमार के पास वो गाना गवाया गया था उसके बाद में ले आऊँगा जो गाना था उसको टी सीरीज के द्वारा एक जुलाई 2023 को रिलीज़ करवाया गया ये करीबन छठा सिंगल था जिसको तनिष बागची और वायु श्रीवास्तव ने गाया हुआ था म्यूज़िक तनिष बागची और अरिजीत सिंह ने दिया हुआ था सॉरी गीत म्यूज़िक था वो तनिष बागची ने दिया था सिंगर अरिजीत सिंह थे रात बाकी गाने के लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे मित ब्रोस ने म्यूजिक दिया था सिंगर मोनाली ठाकुर पीयूष मेरोलिया और पी मित मेरो ब्रोस थे और उस गाने को एक जुलाई 2023 को सॉरी उस गाने को एक जुलाई 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था सेवन सिंगल के तौर पे उसके बाद में आज के बाद जो गाना था तो उसका रिप्राइज वर्जन था उसको भी एक जुलाई दो को टी सीरीज़ के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था जिसको मनन भाद्वाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भारद्वाज का ही था सिंगर मनन भारद्वाज और हिमानी कपूर थे तो ये टोटल आठ गाने थे फिल्म में रखे हुए जहाँ पे सभी गानों को तो प्रोड्यूस किया, किया हुआ था टी सीरीज ने यानी कि उन्होंने लेबल करवाया था जहाँ पे इकतीस मिनट सात सेकंड का साउंड रेखा एक जुलाई 2023 को उन्होंने सभी गानों का वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का टीज़र 18 मई 2023 को रिलीज़ किया था बुलबुल ए टू हिट होने के बाद इस फिल्म का टीज़र के साथ कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन का पेयर है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से एक आ, लक फैक्टर के तौर पे काम कर गया टीज़र को अच्छे व्यूज़ मिले एक पॉजिटिव रिस्पांस भी आया उसके बाद में ऑफिशियल ट्रेलर था उसको पाँच जून दो को रिलीज़ किया उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जब फिल्म को रिलीज़ किया तो एक अच्छी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन एक डिसेंट रिलीज़ मिली हुई थी जहाँ पे साठ करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट लेते हुए उनतीस जून दो को तेईस को का एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हुए हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी वी इस फिल्म ने करीबन पंद्रह हज़ार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से इस फिल्म को पहले दिन एक अच्छा कलेक्शन मिला जहाँ पे पिछली फिल्म यानी कि शहजादा जो कार्तिक आर्यन के फ्लॉप फिल्म रही थी उसके बाद इस फिल्म से उन्होंने एक अच्छा काम भी किया हुआ था ट्वेंटी नाइन्थ जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को जब फिल्म को गुरुवार के दिन रिलीज किया तब नौ करोड़ पच्चीस लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने छः करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन इस फिल्म ने ग्रोथ दिखाया दस करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था तो जहाँ पे इस फिल्म ने सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का पहले वीकेंड में कलेक्शन किया और उसके बाद में डेज में इस फिल्म ने डिसेंट मैनर में परफॉर्म किया स्टेडी मैनर में जहाँ पे इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ नब्बे लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वेनेसडे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के दिन तीन करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने एक एक्सटेंडेड वीक लिया हुआ था जिससे इस फिल्म का एक अट्ठावन करोड़ सॉरी इक्यावन करोड़ साहठ लाख का कलेक्शन निकल के आया इंडिया से दूसरे वीक में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था दूसरे वीक में करीबन सत्रह करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था जहां पे इस फिल्म ने दूसरे वीक में फ्राइडे के दिन दो करोड़ प, पचास लाख का कलेक्शन किया संडे के वीकेंड था उसके बाद में इस फिल्म ने डेज के ऊपर चालीस लाख का मंडे के दिन कलेक्शन निकाला ट्यूजे के दिन एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन निकाला वेनेस्डे करोड़ का नेट कलेक्शन निकाला और थर्सडे के दिन लाख का कलेक्शन निकाला हुआ था जिसके चलते सेकंड वीक सत्रह करोड़ का रहा इस फिल्म का जहाँ पे इस फिल्म ने दो वीक में काफी कंफर्टेबल मैनर में अड़सठ करोड़ साठ लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में तीसरे वीकेंड में यानी कि तीसरे वीक में जो तीसरा वीकेंड था फ्राइडे के दिन तीसरे फ्राइडे में इस फिल्म में पंचानवे लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ बीस लाख का सत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन कलेक्शन और बड़ा दो करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन हुआ इस वजह से इस फिल्म ने तीसरा वीकेंड है वो भी चार करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन के साथ कंप्लीट किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन सत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन साठ लाख का के दिन पचपन लाख का थर्सडे के दिन पचास लाख का तो टोटल बाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से चौहत्तर करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे तीसरा वीक था वो फिल्म का करीबन छः करोड़ पच्चीस लाख का रहा चौथा वीक था वो करीबन दो करोड़ पच्चीस लाख का रहा पांचवें वीक में इस फिल्म ने पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया और छठे वीक में इस फिल्म ने दस लाख का नेट कलेक्शन किया इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से करीबन छः वीक के अंदर सतहत्तर करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसका जो क्रोस था वो काफ़ी बढ़िया रहा जहाँ पे बानवे करोड़ बत्तीस लाख का क्रोस कलेक्शन इंडिया से रहा और सी से पच्चीस करोड़ और अब पैंतालीस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया और और से और इंडिया का मिला के करीबन वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने एक सौ सत्रह करोड़ 77 लाख का नेट कलेक्शन ग्रोथ कलेक्शन करके दिखाया साठ करोड़ के बजट के सामने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओटी और, और सेटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था वहां पे भी इस फिल्म ने एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई थी इस फिल्म के ओ राइट्स थे वो एमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने पेपर व्यू के नाम के साथ फिल्म को पहले ओ पे प्रीमियर करवाया था उसके बाद ऑफिशियली प्रॉपर वे में प्रीमियर करवा दिया था सैटेलाइट राइट थे वो जी नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो सत्य प्रेम की कथा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सत्य प्रेम की कथा फिल्म को अगर आपको

देखने को मिलेंगे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ समीर विद्वंस ने समीर विद्वंस इससे पहले भी कई फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके कुछ मराठी फिल्में थी और ये पहली हिंदी फिल्में थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका डेब्यू था इससे पहले उन्होंने करीबन 10 सालों तक मराठी फिल्मों में काम किया हुआ है जहाँ पे आनंदी गोपाल करके जो दो में उन्होंने फिल्म बनाई थी वो एक सोशल इश्यू के ऊपर बनी फिल्म थी उसके ऊपर उन्होंने को नेशनल अवार्ड मिला हुआ था बेस्ट फिल्म का तो एक अपने आप में बड़ी बात है एज ए डायरेक्टर के तौर पे एज ए राइटर के तौर पे भी उन्होंने कुछ फिल्मों को लिखा हुआ है जहाँ पे अब हम बात करें इस फिल्म के ऊपर उनकी डेब्यू फिल्म के ऊपर यानी कि सत्य प्रेम की कथा के ऊपर तो इसकी कहानी करण श्रीकांत शर्मा ने लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले डायरेक्टर समीर विध्वंस का था वहीं पे साजिद नडियादवाला, सरिन मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा ने इस फिल्म को करीबन साठ करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ था नडियादवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट नमहा पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे वहीं पे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज मिली थी सेंसर बोर्ड की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला था जहाँ पे 144 मिनट के रन टाइम के साथ यानी कि दो घंटे 24 मिनट के रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज किया हुआ था इस फिल्म की लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन थे और कियारा आरा अडवाणी थे तो ये जोड़ी है वो जो फिल्म आई थी बुलबुल एट उसके बाद से कंड बार फीचर हुई है जहाँ पे सिनेमेटोग्राफी वो वो का बोस ने की हुई थी एडिटिंग है वो चारू श्री रोई ने की हुई थी जिसने इस फिल्म को दो घंटे चौबीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में हितेश सोनिक ने बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ था मित प्रोस अनजान भट्टाचार्य तनिस बागची मनन भारद्वाज पायल देव रोचक कोहली और अली सेठी ने इसका जो गाना है वो कंपोज किया हुआ था फिल्म में टोटल करीबन सभी वर्जन मिला ले तो आठ गाने थे टी सीरीज के पास म्यूजिक के राइट्स थे जिन्होंने अच्छी प्राइज़ में राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सत्य प्रेम यानी कि सत्तू का रोल कातिकार्यन प्ले करते हुए नजर आएंगे जो लीड किरदार था उनके अपोजिट जो कथा का कापड़िया का रोल था वो के आर आडवाणी ने प्ले किया हुआ जो लीड एक्ट्रेस का रोल था गजराज राव जो सत्तू के फादर का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं यानी कि नारायण का रोल सुप्रिया पाठक ने सत्तू की माँ का रोल यानी कि दिवाली का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धार्थ रांधेर ने हरी किशन कापड़िया का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा के फादर है वहीं पे कथा की जो माँ का रोल था रसना कापड़िया उसका रोल प्ले किया हुआ है अनुराधा पटेल ने राजपाल यादव इस फिल्म में डुडिया के रोल में दिखाई दे थे इसके अलावा सीखा तलसानिया को सेजल का रोल दिया हुआ था जो सत्तू की बहन का रोल था तपन मानक के रोल में अर्जुन अनिजा देखने को मिलते हैं मायरा दोसी ने इसमें किंजल का रोल प्ले किया हुआ है जो कथा की सिस्टर का रोल है क्रिसमस मासी के रोल में निर्मित सावंत देखने को मिलेंगे इसके अलावा भौमिक आहिर ने चंद्रेश का रोल प्ले किया हुआ है पलाश तिवारी ने धीरज का रोल प्ले किया है जो किंजल के हस्बैंड का रोल था थे फिल्म के प्रोमिनेंट लीड कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन में बातचीत करें तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक मोशन पोस्टर के थ्रू की गई थी जहां पे साजिद नडियादवाला के द्वारा 23 जून 2021 को यह अनाउंसमेंट की गई थी जहां पे बताया गया था कि समीर विद्वानस इस फिल्म के साथ हिंदी में अपना डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे और लीड रोल में का आर्यन होने वाले फिल्म को टाइटल दिया गया था सत्यनारायण की कथा लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी इस टाइटल के साथ जिसके चलते बाद में टाइटल को रीनेम किया गया सत्य प्रेम की कथा के साथ जहाँ पे सत्यप्रेम लीड के रोल का नाम था और कथा लीड एक्ट्रेस का नाम था जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग में कार्तिक आर्यन को लीड रोल के लिए लिया गया था और उनका साजिद नडियादवाला के साथ पहला कोलोब्रेशन था और उनके अपोजिट सारवरी वाघ अनन्या पांडे जैसी एक्टर को अप्रोच की करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसके बाद में जो कास्टिंग थी वो किया आडावानी के साथ सेट हुई जिन्होंने इससे पहले पुलपलिया टू में काम किया था वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो इस फिल्म की बातचीत पुलपलिया टू से पहले चल रही थी उसके बाद में जब फिल्म सक्सेस हुई तब किया डवाणी को अप्रोच किया गया सेम पेयर को रिपीट करने के लिए जहां पे कंफर्मेशन जुलाई 2022 में आई उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की शूटिंग को कई लोकेशंस में शूट किया था जैसे कि मुंबई काश्मीर अहमदाबाद वडोदरा श्रीनगर गुलमार्ग जैसे अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था फिल्म को जहां पे 3 सितंबर 2022 को मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था मुंबई में पहला शेड्यूल था वो 6 अक्टूबर को कंप्लीट किया था उसके बाद में नवंबर 2022 में इस पूरे प्रोडक्शन को अहमदाबाद गुजरात ले जाया गया और वहाँ पर शूटिंग की गई थी मुंबई अहमदाबाद के बाद वडोदरा में कुछ सिकमन शूट किए हुए थे उसके बाद में काश्मीर में इकतीस मार्च दो को फाइनल शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था श्रीनगर गुलमार्ग में भी इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी उसके बाद में कुछ पेचवर्क था वो अप्रैल महीने में मुंबई में किया हुआ था और उस पेचवर्क को कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को रेपअप करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से दो में रेपअप किया हुआ था उसके बाद में ऊपर बातचीत करें तो के, राइट टी सीरीज वालों के पास थे, थे।, थे।, का थे। जहाँ पे एक जुलाई दो को टी सीरीज ने सभी गानों को ऑफिशियली रिलीज किया था फिल्म का जो पहला गाना था नसीब से उसको सत्ताइस मई दो को उन्होंने अवेलेबल किया था उसको लिखा हुआ था एम तुराज ने म्यूजिक दिया था पायल देव ने और पायल देव विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था आज के बाद जो गाना था जो मनन भाजवाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भाजवाज का ही था तुलसी कुमार और मनन भारद्वाज ने उसको गाया था उस गाने को 10 जून 2023 को रिलीज किया था गुज्जू पटाखा जिसने एक बर्स क्रिएट किया था उस गाने को 16 जून 2023 को टी सीरीज के द्वारा रिलीज करवाया गया था जिसको कुमार ने लिखा ने हुआ था मिथ ब्रोज अंजान ने म्यूजिक दिया हुआ था मित ब्रोज स्टार बॉय एलोसी ने उसको गाया हुआ था सुन सजनी जो गाना था उसको लेटर ऑन इक्कीस जून दो को टी सीरीज के द्वारा फोर सिंगल के तौर पर रिलीज करवाया

राजा और अली सेती ने दिया हुआ था अरिजीत सिंह तुलसी कुमार के पास वो गाना गवाया गया था उसके बाद में ले आऊँगा जो गाना था उसको टी सीरीज के द्वारा 1 जुलाई 2023 को रिलीज करवाया गया ये करीबन छठा सिंगल था जिसको तनिष बागती और वायु श्रीवास्तव ने गाया हुआ था म्यूजिक तनिष बागती और अरिजीत सिंह ने दिया हुआ था सॉरी गीत म्यूजिक था वो तनिष बागती ने दिया था सिंगर अरिजीत सिंह थे रात बाकी गाने के लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे मित ब्रोस ने म्यूजिक दिया था सिंगर मोनाली ठाकुर पीयूष मेरोलिया और पी मित मेरो ब्रोस थे और उस गाने को एक जुलाई 2023 को सॉरी उस गाने को एक जुलाई 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था सेवन सिंगल के तौर पे उसके बाद में आज के बाद जो गाना था तो उसका रिप्राइज वर्जन था उसको भी एक जुलाई दो को ए टी सीरीज के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था जिसको मनन भादवाज ने लिखा हुआ था म्यूजिक भी मनन भादवाज का ही था सिंगर मनन भादवाज और हिमानी कपूर थे तो ये टोटल आठ गाने थे फिल्म में रखे हुए जहाँ पे सभी गानों को तो प्रोड्यूस किया, कि कि किया हुआ था टी सीरीज़ ने यानी कि उन्होंने लेबल करवाया था जहाँ पे इस इकतीस मिनट सात सेकंड का साउंड रेखा एक जुलाई 2023 को उन्होंने सभी गानों का वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था इस फिल्म का टीज़र 18 मई 2023 को रिलीज़ किया था पुलबले पुल टू हिट होने के बाद इस फिल्म का टीज़र के साथ की आडवाणी और कार्तिक आर्यन का पेयर है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से एक आ, लक फैक्टर के तौर पे काम कर गया टीज़र को अच्छे व्यूज़ मिले एक पॉजिटिव रिस्पांस भी आया उसके बाद में ऑफिशियल ट्रेलर था उसको पाँच जून दो को रिलीज़ किया उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जब फिल्म को रिलीज़ किया तो एक अच्छी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन एक डिसेंट रिलीज़ मिली हुई थी जहां पे साठ करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए 29 जून 2023 को तेईस को का एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हुए हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आएम डी इस फिल्म ने करीबन पंद्रह वोट हासिल किए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई दस में से इस फिल्म को पहले दिन एक अच्छा कलेक्शन मिला जहाँ पे पिछली फिल्म यानी कि शहजादा जो कातिक आर्यन की फ्लॉप फिल्म रही थी उसके बाद इस फिल्म से उन्होंने एक अच्छा काम भी किया हुआ था ट्वेंटी नाइन्थ जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को जब फिल्म को गुरुवार के दिन रिलीज किया तब नौ करोड़ पच्चीस लाख का इस फिल्म ने नेट ने 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 कलेक्शन किया फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने छः करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन इस फिल्म ने ग्रोथ दिखाया दस करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक एक्सटेंडेड वीकेंड लिया हुआ था तो जहाँ पे इस फिल्म ने सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का पहले वीकेंड में कलेक्शन किया और उसके बाद में विक डेज में इस फिल्म ने डिसेंट मैनर में, में परफॉर्म किया स्टेडी मैनर में जहां पे इस फिल्म ने मंडे के दिन तीन करोड़ नब्बे लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ पचहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वेनेसडे के दिन तीन करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के दिन तीन करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया तो इस तरह से इस फिल्म ने एक एक्सटेंडेड वीक लिया हुआ था जिससे इस फिल्म का एक अट्ठावन करोड़ सॉरी इक्यावन करोड़ साहठ लाख का कलेक्शन निकल के आया इंडिया से दूसरे वीक में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था दूसरे वीक में करीबन सत्रह करोड़ का कलेक्शन निकल

कलेक्शन निकाला हुआ था जिसके चलते सेकंड वीक सत्रह करोड़ का रहा इस फिल्म का जहां पे इस फिल्म ने दो वीक में काफी कंफर्टेबल मैनर में अड़सठ करोड़ साठ लाख का नेट कलेक्शन किया और उसके बाद में तीसरे वीकेंड में यानी कि तीसरे वीक में जो तीसरा वीकेंड था फ्राइडे के दिन तीसरे फ्राइडे में इस फिल्म में, में, में पंचानवे लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ बीस लाख का सत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया संडे के दिन कलेक्शन और बड़ा दो करोड़ बीस लाख का नेट कलेक्शन हुआ इस वजह से इस फिल्म ने तीसरा वीकेंड है वो भी चार करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन के साथ कंप्लीट किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन सत्तर लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन साठ लाख का वेनस्डे के दिन पचपन लाख का थर्सडे के दिन पचास लाख का तो टोटल बाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से चौहत्तर नेट कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे तीसरा वीक था वो फिल्म का करीबन करोड़ पच्चीस लाख का रहा चौथा वीक था वो करीबन दो करोड़ पच्चीस लाख का रहा पांचवें वीक में इस फिल्म ने पैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया और छठे वीक में इस फिल्म ने दस लाख का नेट कलेक्शन किया इसके चलते इस फिल्म ने इंडिया से करीबन छह वीक के अंदर सतहत्तर करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया और उसका जो ग्रोथ था वो काफी आ, बढ़िया रहा जहाँ पे बानवे करोड़ बत्तीस लाख का क्रॉस कलेक्शन इंडिया से रहा ओवरसीज से पच्चीस करोड़ और अब पैंतालीस लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया और और ओवरसी और इंडिया का मिला के करीबन वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने एक सौ सत्रह करोड़ सतर लाख का नेट कलेक्शन ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया साठ करोड़ के बजट के सामने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई उसके बाद फिल्म को ओ टी टी और, और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया गया था वहाँ पर भी इस फिल्म ने एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई थी इस फिल्म के ओ राइट्स थे वो अमेजोन प्राइम विडियो वालों ने खरीदे हुए थे जहां पे उन्होंने पेपर व्यू के नाम के साथ फिल्म को पहले ओ पे प्रीमियर करवाया था उसके बाद ऑफिशियली प्रॉपर वे में प्रीमियर करवा दिया था सैटेलाइट राइट थे वो जी नेटवर्क के पास थे तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो सत्य प्रेम की कथा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो अमेजोन प्राइम विडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा